हाँ जी, सभी को नमस्ते और सभी का स्वागत है आज के इस लाइव में। और आज हम एक ऐसे मुद्दे पे चर्चा करने वाले हैं जो मेरे और कई लोगों के दिल के बहुत करीब है, लेकिन इसके बारे में चर्चा या तो होती नहीं है या बहुत कम होती है। और आज मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों ने कमेंट सेक्शन में भी ऐसा ही डाला हुआ है, और इसमें लोगों की एक चिंता है कि हम जब अखंड भारत की बात कर रहे हैं तो अगर हम पाकिस्तान और बांग्लादेश को मिला लेंगे तो ज्योग्राफिकली तो अखंड भारत बन सकता है, लेकिन हो सकता है कि वो इस्लामिक राष्ट्र बन जाए, क्योंकि जब हम इनको जोड़ लेंगे, आज का जो अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, श्रीलंका, बांग्लादेश है, उन्हें अगर हम भारत के साथ जोड़ते हैं तो जो इस्लामिक पॉपुलेशन है उसकी जनसंख्या बहुत ज्यादा हो जाने वाली है। तो बहुत से लोगों को इस चीज के बारे में फिर एक चिंता होती है कि ऐसा हुआ तो हमारी प्रॉब्लम्स पहले से ज्यादा बढ़ सकती हैं। तो मैं आपकी इस जो ये जो कंसर्न है इससे पूरी तरह से सहमत हूं। और ऐसा अगर करेंगे तो हमारे लिए वो श्योरली एक डिजास्टर होने वाला है, तो ऐसा नहीं किया जा सकता। और जब मैं अखंड भारत की अवधारणा की बात करता हूं तो उसमें ये एक पॉसिबिलिटी बिल्कुल नहीं है। अभी सारा जी अभी थोड़ी देर में जुड़ने वाली हैं, और आरिफ जी को लगता है कुछ गलतफहमी हो गई थी टाइम के बारे में। वो अपनी बेटी को लेने यूनिवर्सिटी गए हुए हैं तो उनको आने में समय लग सकता है, इसलिए उन्हें जुड़ने में समय लगेगा। तो लेकिन सारा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। नमस्ते सारा जी। नमस्ते जय काली नीरज जी, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी ओवर। जी सारा जी, एक ना आरिफ जी को शायद समय की कुछ कंफ्यूजन थी और वो अपनी बेटी को लेने गए हैं यूनिवर्सिटी, तो कह रहे थे मुझे आने में समय लग सकता है काफी, क्योंकि बहुत तेज बारिश हो रही है। तो तब तक हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मैं अभी दर्शकों से ये बात कर रहा था कि कुछ दर्शकों ने टॉपिक को देख कर के, हम जब अखंड भारत की बात कर रहे हैं तो उसमें आज का जो अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, उसे भी मिलाना है। तो अगर ऐसा करेंगे तो वहां पर जो जिस तरह की पॉपुलेशन है आज की डेट में, तो इसका मतलब है कि हमारे लिए वो एक बहुत बड़ी समस्या होने वाली है। तो बजाय कि हम कोई सोल्यूशन निकालें, वो एक बहुत ज्यादा ऐसी प्रॉब्लम आ जाएगी जिसको हम पहले ही नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं, तो ये तो और गंभीर समस्या होने वाली है। तो और ये जो हमारे दर्शक हैं, या मैं भी यही मानता हूं कि बिल्कुल ठीक बात है कि प्रेजेंट कंडीशंस में आज अगर हम ये बॉर्डर खोल देते हैं तो वो तो ऐसा होगा कि आपने एक भरे पूरे अच्छे घर में जो आस पड़ोस के चोर उचक्के थे उन्हें साथ में जोड़ लिया। हालांकि ये शब्द थोड़ा सा स्वीपिंग स्टेटमेंट मुझे नहीं देनी चाहिए, लेकिन अगर हम ओवरऑल ट्रेंड देखें तो कुछ इसी तरह की गलत एक हरकत हो जाएगी। तो आप क्या कहती हैं इस बारे में? देखिए नीरज जी, सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जो हमारे पास अभी है हम उसको तो जोड़ के रखें और बहुत ही मजबूती से जोड़ के रखें। हम अब एक्सपैंड तो कर सकते हैं, बट हम एक्सपैंड किसी एक फाउंडेशन के बेसिस पे ही कर सकते हैं। अगर हमारे पास प्लॉट है तो फिर हम आगे एक्सटेंड करके दीवार बढ़ा सकते हैं और एक्सटेंड कर सकते हैं। तो आई थिंक अभी तो हमें करेंटली व्हेन इट कम्स टू अखंड भारत, मतलब ये मेरा मानना है कि हमें खुद के ऊपर काम करना है और खुद बिल्कुल एक मजबूती से जुड़े रहना है, ताकि फर्दर कोई और किसी भी मतलब तरीके के लोग या किसी भी तरीके की एक्टिविटीज हमें और खंडित या तोड़ नहीं पाए। तो उसके बाद तो फिर बहुत सारी चीजें हैं कि हम जो कि कर सकते हैं, एक्सपैंड कर सकते हैं और खुद में लोगों को मिला सकते हैं। तो आई थिंक अखंड भारत जो अभी हमारे पास है, जो हमारा जो वो एक मतलब भारत का तो मतलब हिस्सा बहुत ही मतलब छोटे छोटे पार्ट्स में मतलब लोगों ने राजनीति के चलते, अपने सेल्फिश इंटरेस्ट के चलते उन्होंने तो मतलब खंडित होने दिया या कर दिया। तो अभी जो बचा खुचा है आई थिंक हमें उसके ऊपर फोकस करना और उसे इतनी मजबूती से हमें फोर्ज करना है कि वो इतना स्ट्रांग हो जाए कि कोई कुछ भी ना कर सके, और उसके आधार पे फिर हम ब्रांच आउट करें और फिर हम चीजों को और समेटें अपने अंदर। अब ऐसी कुछ बात एक दर्शक ने लिखी है, बसवराज। अब इनका ये शुरू में इन्होंने एक अल्फा न्यूमेरिक नाम रखा हुआ है, लेकिन उनका कहना है फर्स्ट कन्वर्ट ऑल मुस्लिम्स टू हिंदूज, सेकंड पार्ट में कह रहे प्लीज इंक्लूड तुफेल चतुर्वेदी सर।
तो फर्स्ट पार्ट जो है कि पहले सारे मुस्लिम्स को हिंदू बनाए, इसमें मुझे लगता है कि वो मुस्लिम्स नहीं जो क्रिश्चियंस हैं, हमें उन्हें भी हिंदू बनाने की जरूरत है, क्योंकि दो जो डिसिपेटिव फोर्सेस हैं, जो ऐसी विचारधाराएं हैं जो कि देश को या राष्ट्र को अनस्टेबल कर सकती हैं, तो पहले हमें इनको सॉल्व करना है। और वो इनकी बात एकदम ठीक है कि ये करने के बाद हम बाहर के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन मेरा ये भी मानना है कि हमें सोचना तो पड़ेगा, और पहले से अगर हम प्लान करके चलेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली हमारा गोल तो ये होना चाहिए, क्योंकि हम वो संस्कृति हैं जिसका नारा है कृणवंतो विश्वम आर्यम, कि पूरे विश्व को आर्य बनाना है हमने। तो अभी तो हम भारत से जस्ट बाहर निकले हैं कि जो आज से 200-300 साल पहले हमारा था उसे अपनाना है। इसे मैं थोड़ा इस तरह से देखता हूं कि जैसे घर में कई भाई बहन रह रहे हैं, तो कोई पड़ोसी है या कोई ऐसा कोई शरारती तत्व है जिसने दो चार छोटे भाई बहनों को ड्रग एडिक्ट बना दिया है, पहले उनको ड्रग्स धीरे धीरे इंजेक्ट कर दी और अब उन्हें ड्रग एडिक्ट बना दिया है, तो उनको उन ड्रग्स के साथ मजा आता है, लेकिन वो ये भूल चुके हैं कि ड्रग्स से पहले जो उनका जीवन कितना खुला खुला था और वो किस तरह से एक स्वच्छंद वातावरण में सांस ले सकते थे, जबकि आज वो ड्रग एडिक्ट्स के कब्जे में पूरी तरह से आ चुके हैं। तो पहला काम तो ये होना चाहिए कि हम इन्हें अपना छोटा भाई बहन मानकर इन्हें उस ड्रग एडिक्ट के चंगुल में से छुड़ाएं, और जब हम ये कर पाएंगे तो उसके बाद मुझे लगता है कि ये जो प्रॉब्लम हमें आज बड़ी लग रही है वो उतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी। क्या कहते हैं? नीरज जी, आप ये जो भाई साहब ने जो कहा कि पहले सारे मुसलमानों को हिंदू बनाएं, तो नीरज जी ये कहना आसान है बट ये करना बहुत ही कठिन है। मतलब अब इसमें अगर आप देखें तो मतलब एक समूह है, एक समुदाय है, कम्युनिटी है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस और बहुत सारी चीजें हैं। तो ये बिल्कुल इतना इजी नहीं है कि मैं सवेरे उठी और बैग पैक की और एक गांव में चली गई और एक मुसलमान भाई को मैं कहूं कि हाँ जी आप सनातन के बारे में समझें और सनातन आप अपनाएं और उन जो पुरानी चीजें आप उनको छोड़ें। इट इज नॉट दैट सिंपल। पहला तो एक होता है कि हमें अवेयरनेस क्रिएट करना पड़ेगा कि आप जिस किसी भी चीजों को आप फॉलो करना चाहते हैं आपको उस चीज की छूट है जो कि हमारे कंट्री में भी है। और दूसरी चीज ये आती है कि हमें उन्हें बताना पड़ेगा कि सनातन मतलब फ्रीडम, सनातन मतलब लिबरेशन, सनातन मतलब आप चंगुल से बाहर निकल रहे हैं। तो अगर हम प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन करेंगे सनातन का तो आई थिंक बहुत सारे लोग खुद ब खुद बाहर आ जाएंगे। हमें उन्हें निकालने की जरूरत नहीं है। जिस तरीके से आपने जो मतलब जो सीरीज बनाई थी, मैं उसके बारे में भी कहना चाहूंगी, इस्लाम फॉर डमीज, वो एक बहुत ही आई ओपनिंग कंटेंट आपने बनाया नीरज जी। और कहीं ना कहीं इस तरीके की ही चीजें अगर हम करें या दिखाएं तो हमें किसी को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। लोग खुद ब खुद त्यागेंगे जो चीज उन्हें समझ में नहीं आएगा, लोग छोड़ेंगे और लोग अपनाएंगे जो अच्छा उन्हें लगेगा या जिसमें उन्हें सुख शांति की प्राप्ति होगी। तो आई थिंक सिर्फ कह देने से तो नहीं होगा, उसके लिए तो जी हमें बहुत कुछ करना पड़ेगा। अवेयरनेस क्रिएट करनी पड़ेगी, हमें वैसा एक ग्रुप बनाना पड़ेगा, एक समूह और एक समुदाय जो कि ऐसे लोगों को हेल्प करे, मगर इच्छा तो उन्हें व्यक्त करनी होगी, उन्हें इच्छा तो अपनी जाहिर करनी होगी। जी नमस्ते आरिफ जी, स्वागत है आपका। नमस्कार जी, नमस्कार। मैं सबसे पहले मेरी अपोलॉजी, सॉरी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, ये मैं ट्रेन स्टेशन पर खड़ा हूँ और मैं मेरी बेटी यूनिवर्सिटी से आ रही है, उसको लेने के लिए आया हूँ। तो बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, मेरे जहन में था 9 बजे का है। जी मैंने दर्शकों को बताया ये, मैंने कहा कि कुछ ऐसी गलतफहमी हो गई है, इसलिए आरिफ जी वहां अपनी बिटिया को लेने गए हुए हैं, हाँ तो आपको देख के हमें अच्छा लग रहा है। तो और ये है कि आई एम रियली सॉरी, अगर ये है कि आप एनी टाइम मुझे कहेंगे आई एम रेडी, लेकिन ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, ये देखें ट्रेन आ गई है। जी, आप करिए जी अपना काम कीजिए। जी तो आई एम सॉरी, अगर आप मुझे इजाजत दें तो फिर मैं जा सकता हूँ। जी जी सॉरी, प्लीज। हाँ मैं बड़ा माजरत खा हूँ, बड़ा अपोलॉजी प्लीज। जी, ठीक है जी। ओके सर, ओके। जी कालिदासी जी, आप कह रहे थे कि पहले हमें अपने घर को सुधार लेना चाहिए।
वो तो है ही है, उसमें तो कुछ दो राय है नहीं, लेकिन अब देखिए ये मुद्दा बार बार उठता है कि हमारे जो आप ये मान लीजिए कि पिछले 70-72 साल में जो नैरेटिव चला, मैं आपको अपने जीवन का एक एग्जांपल बताता हूँ। मैं उन दिनों चंडीगढ़ में रहता था और लुधियाना गया हुआ था और एक इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा था। मैं एक होटल की लॉबी में बैठा था तो वहां पर कुछ गोरे थे और उन गोरों को जैसे किसी कंपनी के एग्जीक्यूटिव रहे होंगे वो, और उनके साथ में एक हमारे देश का व्यक्ति था। तो जब वो मैच, अब होटल की लॉबी में मैच चल रहा था स्क्रीन पे, तो वो खाना भी खा रहे थे और साथ में उन्हें बताने लगा, तो कहता कि व्हेन इट इज अ मैच बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इट इज लाइक अ वॉर बिटवीन द टू कंट्रीज। तो वो अपनी ओर से ना बड़े गर्व से बता रहा था कि जब हमारा इंडिया और पाकिस्तान का मैच होता है तो ऐसा होता है जैसे हम युद्ध कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको सच बताऊं तो मुझे बड़ा दुख हो रहा था उसकी बातें सुनते हुए कि ये जो गोरे हैं वो क्या सोच रहे होंगे कि हमने एक डिवीजन क्रिएट की थी और आज तक ये उसी नॉनसेंस में फंसे हुए हैं कि हम एक दूसरे की जान के दुश्मन हैं। हालांकि ऐसा होता है हमारे देश में और पाकिस्तान में भी इस तरह का परिवेश बना हुआ है, लेकिन ये शायद 20 साल पुरानी घटना होगी लेकिन आज भी मेरे मन में बैठी हुई है कि मुझे बहुत दुख हो रहा था उस व्यक्ति की बातें सुनते हुए। तो मैं इसलिए हाईलाइट कर रहा हूं यहां पर कि माहौल कैसा बनाया कि अब जो देश कट चुका है हमसे वो हमारे साथ जुड़ ही नहीं सकता, और हर रोज इस तरह का नैरेटिव और क्रिएट किया जाता है कि ये तो ऐसे कट्टर दुश्मन है कि एक दूसरे को खत्म करना चाहते हैं, कभी मिलेंगे नहीं। लेकिन आप संसार भर में देखिए ऐसी कितनी आपको घटनाएं देखने को मिलती हैं, और स्पेशली अगर मैं एग्जाम्पल देता हूँ जर्मनी का, एक टाइम ऐसा था ये माना जाता था कि ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी कभी भी एक नहीं हो सकते, और ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल माना जाता था, जैसे आज हम इंडिया पाकिस्तान की बात करते हैं। लेकिन अल्टीमेटली हुआ और आज जो नई जनरेशन है वो तो भूल भी गई है कि कभी इस तरह से जर्मनी की पार्टीशन हुई थी। तो वैसे ही अगर हम इस तरह से सोच के चलेंगे, क्योंकि हमारी सोच अगर होगी तभी तो हम ये काम कर पाएंगे। और अभी पिछले कुछ सालों में जैसे हमने सोशल मीडिया में प्रोग्रेस देखी है, तो आप देखिए कि आरिफ अजाकिया जैसे लोग हैं या तारिक फतेह जैसे हैं या स्पार्टाकस जैसे लोग हैं, तो ये लोग एक रे ऑफ होप है। ये बताते हैं कि अगर कोई ड्रग एडिक्ट बन चुका है तो उसमें से उसे बाहर लाया जा सकता है, और अगर हम उन्हें बाहर ले आएंगे तो उसमें उनका भला होने वाला है। हमारा भला होगा या नहीं होगा लेकिन उनका तो डेफिनेटली भला होने वाला है। तो इसके बारे अब आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? देखिए नीरज जी, हमें तो हमें ख्याली पलाव बनाने की जगह पे तो हमें जो है उस चीज को एक्सेप्ट करके उसमें एडिशन करके और चीजों को स्ट्रेंथन करना है। अब रही बात, देखिए अखंड भारत जो एक है, किसी किसी को बहुत ज्यादा मिर्ची लग जाती है ये वर्ड सुन के, मतलब है ऐसे लोग हमारे देश में ही हैं। मैं बॉर्डर के बाहर नहीं झांकूंगी या घर के बाहर नहीं, हमारे देश में पोसे पले बहुत ही अच्छे अच्छे लोग हैं जो लोग इस शब्द को ही सुन के उनको अंदर कुछ हो जाता है, मतलब वो घबरा जाते हैं। तो देखिए अब तो मतलब सबसे पहले तो हमें बिल्कुल निचले स्तर से हमें सफाई करनी शुरू करनी होगी। अगर सफाई हम करेंगे तो फिर हमें दिखेगा कि छेद कहाँ है, अगर छेद कहाँ है तो हम फिर उसे भर भी सकते हैं ताकि फर्दर उसमें क्रैक ना आए या कुछ ना हो। तो ये तो अखंड भारत कहने से पहले हम लोगों को उस चीज की नींव रखनी होगी अपने दिमाग में और दिल में, और ऐसे जो तत्व है हमारे ही अंदर, हमारी भाई बहन के शक्ल लिए बैठे हैं या बुद्धिजीवी बन के बैठे हुए हैं, तो हमें पहले इन लोगों से हमें हटाना होगा, हमें पहले अंदर पे काम करना होगा, बाद में तो हम हर कुछ कर ही सकते हैं। अब रही बात आपने जो कही अबाउट तारिक साहब, आरिफ साहब, स्पार्टकस जी, ये जितने भी हमारे मतलब मुस्लिम भाई हैं और इन्होंने मतलब त्यागा और समझा, इनको कुछ अच्छाइयां नहीं दिखी मतलब इस्लाम में, तभी इन्होंने बहुत ज्यादा ही जो टैबू है या इस्लामिक
फनेटिक रिचुअल्स हैं या उनके जो कस्टम्स हैं, ये फिर आगे आए और इन्होंने उस चीज को बहुत ही कंडेम किया और डिस्कार्ड किया। मतलब अब ये खुद को, चाहे वो जो कुछ भी कहें, इन्हें जो चीज अच्छी नहीं लगी इन्होंने उसको चेंज करने की कोशिश की, चाहे जिस भी तरीके से हो, चाहे वो अपना नाम हटा दें या रिलीजन प्रैक्टिस करना बंद कर दें या खुद को मॉडरेट कहें या व्हाट्सएवर। तो कहीं ना कहीं जब ऐसे लोग भी बाहर आ सकते हैं और एक गति और एक मैग्नीट्यूड के साथ लोगों के ऊपर इम्पैक्ट डाल सकते हैं, जैसे कि यूथ हो गया या मतलब मुस्लिम कम्युनिटी हो गई या मतलब पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड या यूरोप या व्हाटएवर, अगर ये लोग भी बाहर आ सकते हैं तो डेफिनेटली और लोग भी बाहर आ सकते हैं। बट ये खुद की इच्छा से ही होता है, ये जो कुछ भी है ये खुद की इच्छा से ही होता है। ये लोग इंस्पायर हो सकते हैं, अगर मुझे कोई लोग देख रहे तो मुझसे इंस्पायर हो सकते हैं। चलिए मैं खुद को रिप्लेस कर देती हूँ, लेट मी ब्रिंग इन आरिफ जी या तारिक साहब, ये लोग बहुत ही आइकॉनिक पर्सनालिटी हैं और ये लोग बहुत ही वेल ट्रैवल्ड हैं और इन्होंने बहुत अरसा गुजारा है टिपिकल इस्लाम के कंडीशनिंग और अपब्रिंगिंग में। इन्हें भी घुटन हुई तभी इन्होंने आवाज उठाया, आवाज उठाने के बाद अगर इनके साथ जो कुछ भी हुआ इन्हें पसंद नहीं आया तो इन्होंने उस चीज को त्याग दिया। अब ये अपने आप को किसी भी तरीके से एड्रेस कर सकते हैं, बट कहीं ना कहीं इनकी जो ख्यालातें थी वो इस्लामिक ख्यालातों से मैच नहीं करती थी, सो इट वॉज नॉट गोइंग पैरेलल, सो रास्ता अलग हो गया। अब कोई है कि मतलब अब इनमें से कुछ लोग हैं जो कि मुहिम बनाए हैं कि हम अंदर से इस चीज को और जोड़ेंगे और इस्लाम में रिफॉर्म लाएंगे, कुछ है जो कि मतलब इस्लाम को रिफॉर्म नहीं करना चाहते हैं, कुछ लोग आगे बढ़ गए हैं, कुछ लोग सनातन के फोल्ड में आ गए हैं, जैसे महेंद्र पाल आर्य जी हो गए और जैसे कि मैं हो गई, तो हम लोगों के पास मतलब उतना वो एनर्जी नहीं था तो हम लोगों ने फिर जो चीज नहीं समझ में हम छोड़ दिया और हम फिर सनातन में आ गए। तो मार्ग लोग कुछ भी चुन सकते हैं और ये जो मतलब प्रतिक्रिया है ये अवेयरनेस से ही बढ़ रही है। अगर मैं आज वीडियो पे आ रही हूँ तो मुझे पता है कि ये अभी चलन में आ चुका है कि जो लोग छोड़ते हैं वो लोग खुल के बोल सकते हैं, बट 5-10 साल पहले तक मुझे ये नहीं पता था, मुझ में ये हिम्मत नहीं थी, बिकॉज मैं और ज्यादा डरी हुई थी, बिकॉज ये चीज पॉपुलर नहीं था कि 10 साल पहले लोग बिल्कुल खुले में आके स्पीच दे रहे कि हाँ भाई हमको तो समझ में नहीं आया हमने छोड़ दिया। उस टाइम में सिचुएशन बिल्कुल अलग था, आई डोंट नो वो शायद गवर्नमेंट थी या लोगों का वो माइंडसेट था, मतलब लिटरली लोग डर के भाग जाते थे, मतलब ऐसा माहौल था पहले। तो अब हम लोग खुल के आ भी सकते हैं और बात भी कर सकते हैं, तो इससे भी तो एक तरीके का अवेयरनेस बढ़ रहा है, इससे अवेयरनेस बढ़ रहा है, लोगों के अंदर वो जिज्ञासा बढ़ रही है और वो फिर क्वेश्चन पूछेंगे और जब क्वेश्चन पूछने के बाद उनको सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं मिलेगा तो वो फिर डेफिनेटली कोई ना कोई कंक्लूजन पे पहुंचेंगे कि इस्लाम किसी काम का है या नहीं है या हमको सुकून इसमें है या नहीं है। देखिए मानते हैं, उसको मानने वाले लोग बहुत हैं और उन लोगों का माइंडसेट है कि मतलब इट इज अ वेरी ब्रिलियंट वे ऑफ व्हाटएवर इट इज, बट उन्हीं में से तो हम हैं, उन्हीं में से तो महेंद्र पाल आर्य जी हैं, उन्हीं में से तो आरिफ साहब हैं, उन्हीं में से तो स्पार्टिकस जी हैं, गालिब कमाल हैं, हैरिस हैं। तो वो मतलब देखिए दिखाने का तो उनका अलग ही नजरिया रहता है, हकीकत कुछ और रहती है। तो अगर देखिए हम जैसे लोगों का बाहर आना इज समथिंग विच इज मतलब अगर कहा जाए कि हम जैसे लोग जब बाहर आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि नींव कमजोर हो रही है, उनकी नींव कमजोर पड़ रही है, क्योंकि हम आ रहे हैं बट हम खामोश नहीं है, हम बात कर रहे हैं, हम 4 लोगों को और बता भी रहे हैं। तो ये जहां बढ़ता जाएगा तो फिर एक ऐसा पॉइंट भी आ जाएगा कि जब ये सिर्फ नाम का रहेगा, जो मतलब कहानी की जो किताब है वो आसमानी किताब है वो फिर रहेगी, उसी हद तक महदूद रहेगी, और फिर वो लोग अभी मस्जिद में पढ़ रहे हैं फिर लोग घर में पढ़ने लगेंगे नमाज, सब कुछ फिर बहुत ही पर्सनलाइज्ड होता जाएगा। अब आज आप देख ले कोरोना के कारण से ये सारे जितने भी लोगों का जो रिलीजियस इमोशंस और ये सब कुछ आप देखें, सब कुछ तो बिल्कुल उलट पलट हो गया है ना। तो मतलब पहले जान प्यारी हो गई है, धर्म प्यारा बाद में हो गया है, मतलब रिलीजन जो इन लोगों का है वो सेकेंड आ गया है, पहले जान आ गई है,
अगर जिंदा रहेंगे तभी तो इबादत करेंगे, अगर जिंदा रहेंगे तभी तो हम पूजा करेंगे या कुछ भी करेंगे। तो समय के साथ साथ तो हर कुछ बदलता है। पहले धूमधाम से पूजा सेलिब्रेशन होता था, अब थोड़ा कम धूमधाम से हो रहा है, ये बहुत कम के बराबर हो रहा है। ईद में पहले बिल्कुल हुजूम, रोड भी ब्लॉक हो जाता था, अब आप देखें चीजों में थोड़ा सा तो चेंजेस आया है, थोड़ी सी तो चेंजेस आई है। तो ग्रेजुअली जब इस्लामिक अवेयरनेस बढ़ेगा लोगों में और पूरे ग्लोबली अगर ये चीज बढ़ेगी तो डेफिनेटली फिर रिलीजन पर्सनलाइज्ड होता जाएगा। ये जो कल्ट है ये पर्सनलाइज्ड होता जाएगा, ये फिर एक घर तक ही फिर सीमित रहेगा। तो ये होगा जब हम इसे एक्सपोज करेंगे, अगर हम एक्सपोज नहीं करेंगे तो ये लोग तो फिर वही तलवार लेके दौड़ते रहेंगे कि हम गजवाए हिंद करेंगे, सर तन से जुदा, पैर धड़ से जुदा, यही सब स्लोगन हम लोगों को सुनने को मिलेगा। तो आई थिंक हमें अवेयरनेस पे ज्यादा काम करना है एंड हमें ये चीज समझाना है लोगों को कि अखंड भारत का भारत हमसे है। हम अगर भारत में ज्योग्राफिकली पैदा हुए हैं तो हम भी भारत का एक हिस्सा, भारत हमारा हिस्सा है। तो हमें तो हम लोगों के डिफरेंसेस को हटा के एक यूनिफिकेशन पे ध्यान देना है, तब जाके ही अखंड भारत का सपना पूरा हो सकता है। हम सिर्फ कहें कि हम तो हमने नींव डाल दी, हम ये करें, अखंड भारत वैसे नहीं बनेगा। अखंड भारत तब बनेगा जब मैं, आप और सारे लोग देश के लिए अपने आप को कुर्बान करने के लिए रेडी रहेंगे। अखंड भारत ऐसे नहीं बनेगा कि हम घर में दरवाजा बंद करके रहे और फोन करके पूछे हाँ भाई बॉर्डर पे तो सैनिक गए हैं, क्या उन्होंने सुरक्षा की हमारी? नहीं, हम सबको को एक साथ खड़ा होना होगा, हम सबको को शस्त्र और शास्त्र एक साथ लेके खड़ा होना होगा, तब जाके हम अखंड भारत बोल भी सकते हैं। मतलब शर्मन लिहाजन हम, मतलब इन सब चीजों को फिर एक हमारे पास वो गैरत रहेगी कि हम कह सकते कि हाँ अब अखंड भारत बनेगा और बन सकता है। बैठ के हम अपने घर में अखंड भारत कैसे इस चीज को कर सकते हैं, उसके लिए तो कितने आंदोलन की जरूरत है, कितने हमें एकता की जरूरत है, कितने चेंजेस की जरूरत है। हमारे अंदर जितने भी आस्तीन के सांप हैं हमें उन्हें कुचल कुचल के हटाना है। आप देखें आस्तीन के सांपों को पोसा जा रहा है, उनकी फैक्ट्रियाज है, उनकी कंपनियाज है जहां पर छोटे छोटे सपोले घूम रहे हैं इस भारतवर्ष में। और आप देखें कि मतलब हो क्या रहा है, मतलब वो यहीं का खा रहे हैं, वो यहीं का सब कुछ कर रहे हैं और उनका वो मतलब जो नैरेटिव है, प्रोपोगेंडा है और गाली देना देश को, हमारी संस्कृति को, हमारे जितने भी अभी जो लीडर हैं जो कि थोड़ा बहुत भी जो एक काम कर रहे हैं धर्म का या जो कुछ भी, इन लोगों का काम ही तो, ऐसे लोग हमारे अपने में हैं। अगर आप कह रहे हैं कि अगर लोगों का सोचना है कि मुसलमान या क्रिश्चियन ये लोग दुश्मन है तो नहीं, दुश्मन हमारे पहले तो घर में ही बैठे हुए हैं, हमारे तो पड़ोस में ही दुश्मन बैठे हुए हैं। बाहर वाला दुश्मन को तो आप नजरअंदाज करें, पहले अपने वाले दुश्मन को तो आइडेंटिफाई करें और उनसे एक सलाह मशवरा करके कंक्लूजन पे तो पहुंचे, उसके बाद तो आप आगे करेंगे ना। कालिदास जी, पता इसमें ऐसा है कि अगर हम ये सोचेंगे कि बरखा दत्त है या राजदीप सरदेसाई है या सागरिका घोष है या ध्रुव राठी है कि हम इन लोगों को कन्वर्ट कर लेंगे तो ये तो मर्सेनरीज हैं, ये कन्वर्ट होने वाले नहीं है। देखिए हर कौम में गद्दार होते हैं, तो हमारे देश के गद्दार इस तरह के बहुत सारे लोग हैं, एकदम ठीक कह रही हैं। और यदि हम ये सोचेंगे कि पहले हमने इन्हें कन्वर्ट करना है फिर बाकी होंगे, तो उस हिसाब से तो फिर कभी कालिदासी आनी नहीं चाहिए थी। क्योंकि अगर हम ऐसी बात करते हैं तो फिर तो आपके आने की संभावना ही नहीं थी। अच्छा, मैं आप दर्शकों को एक शुभ समाचार दे दूं कि मैंने निवेदन किया था तुफेल जी से, क्योंकि कुछ दर्शक भी बोल रहे थे कि इसमें तुफेल जी का इन्वॉल्वमेंट किया जा सकता है, तो उन्होंने हमारा जो निमंत्रण था वो स्वीकार किया है और तुफेल जी जुड़ रहे हैं हमारे साथ। प्रणाम जी। प्रणाम जी, आपका बहुत बहुत आभार है हमारे साथ जुड़ने के लिए। कई दर्शक कह रहे थे कि इस चर्चा में तुफेल जी का होना आवश्यक है, तो मुझे लगा फिर आपसे बात की जाए। और ठीक, आपका आभार कि आपने इतने छोटे नोटिस पर इसे एक्सेप्ट किया। नहीं, कोई बात ही नहीं, थोड़ी सी गड़बड़ हो रही थी, इसकी जगह ठीक है जी। अच्छा, विषय बताएं तो मुझे, सब्जेक्ट क्या है? विषय है जी अखंड भारत के, अगर हमने बनाना है तो उसमें क्या चैलेंजेस हैं और क्या सॉल्यूशन है उसका, इस पे हम चर्चा कर रहे हैं।
तो बहुत सारे दर्शकों का ये कहना है जो अभी आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखाई देगा, अधिकांश शर्मा जी कह रहे हैं आई डोंट थिंक अखंड भारत इज वायबल इन टूडेज कॉन्टेक्स्ट, अखंड भारत मींस मोर इलिटरेट मुस्लिम एंड दैट विल बी अ नेगेटिव थिंग फॉर अस टू ग्रो. नो, ये तो गांधीवादी सोच हो गई. जी गांधीवादी जी. आई डोंट थिंक अखंड भारत इज वायबल इन टूडेज कॉन्टेक्स्ट, अखंड भारत मींस मोर illiterate Muslim and that will be a negative thing for us to grow. Should I take this question? Hanji, Hanji, please. Digant Sharma ji, धन्यवाद आपका. मगर एक निवेदन करूंगा, मैं हमेशा जब यहाँ बैठता हूँ तो मैं कहता हूँ कि अपना जो आप योगदान दें वो कम से कम 200 होना चाहिए, 100 मत दीजिए, इसको बढ़ाइए. दूसरी एक बात, अखंड भारत की कल्पना क्या है और क्यों है? एक तो सामान्य चक्रवर्ती सम्राट की तरह हम सोचने लगे कि मेरा क्षेत्र था, ये मुझे वापस मिलना चाहिए. दूसरे, उसके पीछे कारणों में हमें जाना होगा कि हमारे कारण क्या हैं, हम क्यों छूटे. मूल कारण यह है कि हमारी धरती को एक ऐसे पैशाचिक दर्शन ने जो अपने अलावा किसी को भी त्याज उपेक्षणीय ही नहीं मानता, नष्ट करने योग्य मानता है. वो अपनी सत्यता में, अपने में उसे इतना विश्वास है कि वो मानता है कि उसके अलावा सब कुछ नष्ट कर दिया जाना चाहिए. और घोर भयानक दुष्ट दर्शन है. तो भारत की जिम्मेदारी है, ये इस राष्ट्र की जिम्मेदारी है कि हम संसार में शांति फैलाए रखें, शांति का निर्वाह करें. वेद का व्यक्तिगत रूप से हम सबको आदेश है, हम कुछ भी करें मगर वेद का एक कार्य हमारे लिए निश्चित रूप से आदेश है, कृणवंतो विश्वमार्यम, विश्व को आर्य बनाओ. तो ये काम तो हमको करना ही हमारा कार्य है. और इस काम को करने के लिए वो सारा क्षेत्र जिसे संपूर्ण भारत या बृहत्तर भारत कहेंगे उसको वापस लाना है. मगर ये करने के लिए जो अनिवार्य कार्य है वो ये है कि इस चिंतन को समाप्त किया जाए. ये किसी के ध्यान में हो कि इस चिंतन में कुछ बदलाव आ जाएगा, कुछ चेंज होने वाला है, वो नहीं होने वाला है. ये इस तरह से है कि आप जैसे अमेरिका ने पिछले समय में, यानी ट्रंप से पहले जो सरकार थी उसने गुड तालिबान और बैड तालिबान की एक पॉलिसी चलाई थी. ये बैड तालिबान तो समझ में आती है, गुड तालिबान क्या होता है? ये गुड कैंसर और बैड कैंसर जैसी बात है. गुड कैंसर कुछ नहीं होता, संभव ही नहीं है. तो इसको नष्ट तो करना ही पड़ेगा. और नष्ट करने का अर्थ यह नहीं कि आप 20 करोड़ 50 करोड़ 100 करोड़ लोगों को मत डालें. उनको वो रास्ता जो उनका अपना घर है उस तक पहुंचाना सिर्फ इतना ही काम तो है. और इसके लिए इस पैशाचिक दर्शन को एक्सपोज करना, स्वयं बदलाव आएगा. सामान्य लोगों को नहीं मालूम है कि कितने बड़े पैमाने पर एथीस्ट मुस्लिम्स और मुर्तद यानी जिन्होंने इस्लाम को रद्द कर दिया है, ये जो मुलहिद की का कंसेप्ट है, बहुत बाद का कंसेप्ट है. मोहम्मद के पीरियड में जो लोग, जिन्होंने, आप शायद जानकारी हो आपकी, इस्लाम मोहम्मद के मरते ही एक पूरी लहर चली थी जो उन्होंने इस्लाम छोड़ दिया था, वो मुर्तद कहलाते थे जिन्होंने इस्लाम को रद्द कर दिया. इवन कुतैला बिन कैस, मोहम्मद की जो बीवी थी, उन्होंने भी इस्लाम छोड़ दिया था. तो उसके बाद पहले खलीफा ने हत्या का के पूरा चक्र दुष्चक्र चलाया और हजारों लोगों को मारा. तो उसके बाद इस्लाम से लोगों का निकलना रुका. तो ये चिंतन दर्शन तलवार से ही चलता है, उसके अलावा कोई चारा नहीं है. इसको एक्सपोज करेंगे. आखिर जो सामान्य एक सामान्य चिंतन है जिससे विश्व का विकास हुआ है, और वो चिंतन सिर्फ इतना है कि हम सबके अधिकार समान हैं. यहाँ कालिदासी बैठी हैं, चूंकि ये स्त्री हैं तो इसलिए इनको नाकसुल अक्ल कह दिया जाए कि इनके पास बुद्धिहीनता, ये क्या है? मगर ये हदीस है, तो आपको इससे तो बाहर आना पड़ेगा. तो ये एक्सपोज होते ही समझ में आ जाएगा लोगों को, सिर्फ यही तो बताना है. और 2014 के बाद से जो एक बड़े पैमाने पर बयार बही है कि इस्लाम को छोड़ने वाले या इस्लाम के सच को समझने वाले बहुत बड़े पैमाने पे, ईरान में, सऊदी अरब में, पाकिस्तान में बहुत लोग हैं जिन्होंने इस्लाम को त्याग दिया है, मगर वो सामने नहीं आ रहे.
उसका कारण यह है कि मानसिकता यह है कि जो इस्लाम छोड़ेगा उसको मार दिया जाएगा। मैंने अभी कुछ मित्र मेरे जो भारत के मुर्तद हैं वो ये कह रहे थे कि हम कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में इसको केस को ले जाते हैं और फिर मुस्लिम पर्सनल लॉ को इसमें घसीटेंगे और बाउंड करेंगे कि जो मुसलमान इस्लाम छोड़ देगा उसको तुम्हारी तरफ से अधिकृत ये करना पड़ेगा कि वो उसको ये अधिकार है वो छोड़ सकता है। ये एक मानसिक चिंतन है जो मुसलमान कर रहे हैं, तो ये सब करना तो पड़ेगा और इसकी अपनी समस्याएं भी होंगी, मगर कुल मिलाकर जो ये सारा हल है वो यही है कि इस चिंतन को परास्त कर दिया जाए, पराभूत होते ही ये सब वापसी हो जाएगी जी। एक सामान्य मैं बात कहता हूं, जो पश्चिम उत्तर प्रदेश का जहां मैं रहता हूं, यहां जाट बेल्ट है, जो मूले जाट है यानी जो मुसलमान बन गए जाट है, अपना नाम लिखते हैं चौधरी, यहां त्यागी हैं जो मुसलमान बन गए और वो मुस्लिम त्यागी महासंघ बाकायदा चलाते हैं, उन पर अपने उन्हें अपने त्यागी होने पर अभी भी अभिमान है, मुसलमान हो गए मगर त्यागी जोड़कर रखते हैं अपनी। तो ये त्यागी समाज के जो हिंदू नेता है, जो हिंदू त्यागी समाज के नेता, उनका दायित्व है कि उनसे संपर्क रखो और उनको वापसी में लेकर आओ। मुसलमान गुजर हैं, उन्हें मालूम है कि वो गुजरों से, पाकिस्तान के मेरे परिचित हैं नीरज जी के पास बातचीत करने के बाद, तिगन शर्मा जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी बात रखी, मेरी लाज रख ली जी। आपने स्वीकार किया, बड़ी कृपा। तो उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया मैसेंजर के थ्रू, वो गुजर हैं और वो बताते हैं उन्हें मुझसे ज्यादा पता है अपने पूर्वजों के बारे में कि कौन कौन से गुजर सम्राट हुए और क्या क्या गुर्जर प्रतिहार वगैरह वगैरह सारी चीजें उनको मालूम है। और उन्होंने मुझसे कहा है कि हमारे पास कोई रास्ता नहीं है वापस आने का, हम इंतजार कर रहे हैं कि कोई प्रेशर पड़े हम तुरंत पलट जाए। सिंध में है वो लोग, पंजाब में है, पाकिस्तानी क्षेत्र की बात कर रहा हूं, ऐसे लोग हैं। तो इसका दबाव और उसके बाद ये सारा क्षेत्र, भारत कभी भी इस प्रकार के एका जिसे हम कहते हैं वैसा नहीं रहा है, बहुत सारे राज्य थे मगर उसके अंदर एक अंतरधारा पूरा हमेशा से रही है कि ये संपूर्ण भारत है और हम में ही नहीं, बाहर से जो आक्रमणकारी आए 712 में मोहम्मद बिन कासिम जो आया, उसके पत्र उपलब्ध हैं, उसमें बिल्कुल स्पष्ट है कि वो भारत आ रहे हैं, वो सिंध पर हमला करने नहीं आए थे, वो भारत पर आक्रमण करने के लिए आए थे। तो उनसे उस चिंतन से इसको पिंड छुड़ाना और इसके बाद ये फैलता ही चला जाएगा। ये रेत की दीवार है, फूंक मारने की देर है, मगर इस चुनौती को स्वीकार करना, ताल ठोकनी पड़ेगी। और हो सकता है इसमें व्यक्तिगत रूप से, अब जैसे कमलेश तिवारी जी के साथ हुआ, उनको मार दिया गया, कमलेश तिवारी की मृत्यु उन्होंने जो कुछ कहा था तार्किक होना चाहिए, उनका पीछा है, अब ठीक है, मगर अगर कमलेश तिवारी की मृत्यु हो गई तो कोई समस्या है? आज नहीं मरते तो क्या होता, 1500 साल जिंदा रहते। वीर गति को बिल्कुल तिलांजलि दे दी हमने। ये जो पैशाचिक रथ है जो 1500 साल से चल रहा है, हम इसके पहिए पलटना चाहते हैं, तो जो पिशाच इस पे बैठे हैं वो आराम से पलटने देंगे? चुनौती तो देनी पड़ेगी। और इसमें यदि मेरे प्राण चले गए, नीरज अत्री की बलि चढ़ गई, तो उसमें कौन सी समस्या है, क्या बड़ी बात है? घर से निकले, एक्सीडेंट हुआ, मर गए, कुछ नहीं, घर के बाहर खड़े हैं, दौड़ते हुए दो सांड लड़ रहे थे, वो आए, उन्हें टक्कर मारी, पेट फाड़ दिया, मर गए, पंखा ही गिर गया सर पे, तो मर गए। ऐसे ऐसी घटनाएं हो सकती हैं। तो धर्म के लिए शत्रु के हाथ से मरना तो परम सम्मान का विषय, मोक्ष का पथ है जी। गीता है ना, हत्वा व प्राप्य से स्वर्गम, जित्वा व भोक्ष से महीम, तस्माद उत्तिष्ठ कौन्ते युद्धाय कृतनिश्चय। मारा जाएगा तो स्वर्ग तेरा, जिएगा तो पृथ्वी का भोग तेरा, राज तेरा। इसलिए युद्ध की मनस्थिति बना। तो इस काम को आप सोचें कि राज्य करेगा, प्रशासन करेगा, ये कोई मतलब नहीं। व्यक्तिगत तैयारी कीजिए, हमारा सबका काम है। और पिशाच से लोहा लेना है तो स्वयं से पूछिए कि घर में लोहा है, लोहा लेंगे, तैयारी कीजिए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। इस्लाम में कई दौर ऐसे आए हैं जब इस्लाम ढहते ढहते बचा है। जब इस बार ध्यान रखना है कि वो पलट ही दे पूरेगा, पूरे जोर और चिंतन पहले हमेशा बच इसलिए गया था कि इसको समझा नहीं गया था, इसका चिंतन नहीं समझा गया था, अब चिंतन समझ में आ रहा है लोगों को जी। वो क्या बड़ी बात है, मौजली थे,
खलीफाओं का पीरियड था, वो लोग उन लोगों ने बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया था। फिर मंगोलिया के जो चंगेज खान, कुबलई खान, हलाकू खान, इनके खानदान के लोग थे, इन्होंने जब हमला किया था तो पूरा बगदाद काट मारा था, सारा का सारा इस्लामी जगत समाप्त कर दिया था। वो कोई बड़ी बात नहीं है, मगर उन्हीं में से कोई कन्वर्ट हो गया और मंगोल बन गए। परिवार के लोग जो रूस संभाल रहे थे वो मुसलमानों का तो उससे बचा हुआ गया, क्योंकि चिंतन नहीं समझ में आता था उनको। आज हमको मालूम है, आज बहुत सारे लोग हैं, तो इसकी तैयारी चाहिए, इसमें बिल्कुल संकोच का काम नहीं है जी। मैंने बोला भारत पाकिस्तान अफगानिस्तान इन सबको जोड़ना, जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं और एक धर्म से जुड़े हैं, मैं क्यों उनको रिफॉर्म करूं। दिगंत शर्मा जी, ये मुझे लेना है प्रश्न। दिगंत शर्मा जी, ये हमारा दायित्व है, वेद का आदेश है, कृणवंतो विश्वमार्यम, विश्व को आर्य बनाओ, अपने कार्य से पीछे हट ही नहीं सकते, ये ऋषियों ने सौंपा है हमें, आपके पूर्वजों का काम है, आपका व्यक्तिगत काम है, आप इसे बाहर नहीं जा सकते, आप इसे छोड़ ही नहीं सकते। और इसमें दबाव आएगा तो सब प्रकार के दबाव क्रिएट किए जाते हैं जी। मैं तो बहुत छोटी बात कहता हूँ, दो लोग बस, केवल दो लोग अपने जीवन का लक्ष्य मान लिए कि दो शुद्ध करने, हम में से 10 करोड़ लोग ये तय कर लें कि दो शुद्धियां करनी है, निपट जाएगा सारा झगड़ा, लग जाए, और ये सोचे कि वो समय आएगा, ऐसा होगा वैसा, इसकी अपना सारा दबाव, मेरा धन, मेरा बल, मेरा शौर्य, मेरा पराक्रम, मेरा समझाना, मेरा ज्ञान, हर सब इसी काम में लगेगा, दो लोग मैं अगले 5 साल में शुद्ध कर दूंगा, इस पर लग जाइए, हो जाएगा। फरहान अहमद, रेस्पेक्टफुली डिसएग्री नीरज जी, बीइंग ए कन्वर्ट टू इस्लाम, आई कैन से दैट इस्लाम एंड सनातन आर इनकंपैटिबल, वी नीड टू डॉक्यूमेंट द कर्ट विद इंटेलेक्चुअल प्रोग्रेस एंड ओनली देन अखंड भारत विल बी अ रियलिटी, नथिंग एल्स विल वर्क। हाँ ठीक है फरहान जी, इसको आप लीजिए। हाँ जी, वो तो फिर जी यही बात तो कह रहे हैं कि हमें, और मेरा भी यही मानना है कि हमें इसमें कड़वे शब्द की जरूरत ही नहीं है। जो उन्होंने कमलेश तिवारी की बात की वो इसीलिए एग्जांपल दे रहे थे कि जब कमलेश जी ने बात बोली तो शायद उनकी शैली ठीक नहीं थी। हमें इस्लाम की को जब हम डिमोलिश करने की बात कर रहे हैं या उसको सुधार, जो इस्लाम में कन्वर्ट हुए हैं उन्हें वापस लाने की बात कर रहे हैं, तो तर्कों के आधार पर ही है कि आज तक आप देखिए ना, पूरे सब कॉन्टिनेंट में वो जो एक नकली हदीस इन्होंने बनाई है कि कचरे वाली सर पे कचरा डाल देती थी और मोहम्मद साहब ऐसा करते थे, वो क्यों झूठी हदीस इन्होंने बनाई? ताकि ये लोगों को अपने साथ जोड़ के रख सके, असलियत लोगों को ना पता चले। तो हमारा काम केवल वो असलियत, वो सच लोगों के सामने रखना है। मैं आपकी बात से एग्री कर रहा हूं कि हमें कल्ट को डेसिमेट करना है तो इंटेलेक्चुअल प्रोग्रेस से ही होगा, और वही हम आज चर्चा भी इसीलिए कर रहे हैं कि आज इस तरह के साधन है हमारे पास, और वो केवल पाकिस्तान नहीं, केवल हिंदुस्तान नहीं, बांग्लादेश में, अफगानिस्तान में भी इस तरह की मुहिम चल रही है, और लोग एक तरह से इस्लाम इम्प्लोड होने के कगार पर है आज। सिर्फ वो हल्का सा धक्का देने की आवश्यकता है हमें, और उसी के बारे में हमें विचार करने की जरूरत है जी। निखिल जी, वाई कैंट वी डिमांड टू ब्रिंग रिफॉर्म्स इन अवर स्कूल टेक्स्ट बुक्स लाइक आर्यभट्ट, भास्कर एटसेट्रा, वर ऑलरेडी यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, क्वांटम फिजिक्स एटसेट्रा, चाइना हैज ऑलरेडी डन दिस। हम तो डिमांड कर ही रहे हैं निखिल जी, हमारी तो ये डिमांड है, पूरी की पूरी सीरीज बनाई है, किताब लिख दी इसके ऊपर, कि सरकार को चाहिए कि हमारी किताबें बदले। कालिदासी जी, कुछ कहना चाहेंगे इसमें आप? जी देखिए, हम तो मतलब इतना ज्यादा ही डिस्ट्रैक्टेड हैं और दूसरी चीजों में, मतलब बाहरी चीजों में हम इन्वॉल्व हैं, कि हम कहीं ना कहीं तो खुद की संस्कृति को ही भूलते जा रहे हैं। मतलब हमारे लिए देखिए, खान पीन एक जीवन का एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, बट आपके रूट्स और ट्रेडिशन भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होने चाहिए। अभी क्या हो रहा है कि हम अपने छोटी छोटी जरूरतों के चलते हम अपने पास्ट की चीजें जो है, जो हमारे रूट्स है, जो हमारी सिविलाइजेशन है, हम उनको इग्नोर करते जा रहे हैं। अब तो ऐसा पॉइंट आ गया है कि लोग अपने मतलब भोग के लिए, लोग पैसे को लेके या लोगों से सामान लेके या चीजें लेके, लोग अपने ही ट्रेडिशन को डिस्कार्ड और गाली दे रहे हैं। तो ऐसे सिचुएशन में तो हमें ज्यादा से ज्यादा चाहिए कि हम वो एंशियंट इंफॉर्मेशन और एंशियंट जो नॉलेज है
जो विजडम है जो हमारे ऋषि और हमारे वेद पुराणों में जो रजिस्टर्ड है और जो लिखी गई है, आई थिंक उन सब चीजों का रिवाइवल बहुत ही जरूरी है। बट अगेन ये सिर्फ मेरे और आपके चाहने से नहीं हो सकता है, गवर्नमेंट सपोर्ट इज वेरी एसेंशियल इन दिस। हमारे चाहने से होगा, गवर्नमेंट सपोर्ट भी मिलेगी, ऐसे सोच के चलते हैं। श्री कृष्ण जी, गवर्नमेंट मुस्लिम्स को इतनी बेनिफिट्स देती है उनको मुस्लिम बने रहने की, और उनको मुस्लिम बने रहने में फायदा है, और हिंदू को जाति में रहने से, तो वो क्यों छोड़ेंगे? अत्री जी एड अंकुर आर्य इन। पहला आप लीजिए तुफेल जी, फर्स्ट पार्ट आप लीजिए इसका। आप म्यूट हैं, म्यूट हैं। अच्छा, ओ क्षमा करेंगे। एक्चुअली 1947 में विभाजन के बाद जो परिदृश्य था राजनीतिक, उसमें नेहरू को एक व्यवस्था चाहिए थी कि कांग्रेस के वोट बैंक कौन बनेगा। हिंदू तो तिलमिलाए हुए थे, मुसलमान वोट बैंक उन्हें बनाना आवश्यकता थी, उसके लिए सारे काम हुए। वैचारिक रूप से नेहरू और उनके साथ के जो लोग थे उनमें बहुत कम लोगों में वो आईक्यू था, वो समझ थी राष्ट्र के प्रति, तो वो सब सारी चीजें हुई, मगर धीरे धीरे वो बदलाव आ रहा है। बट एक बात आपसे जरूर कहना चाहूंगा, मैं शायद कल परसों में इस विषय को नीरज जी के साथ डिस्कस करूंगा, ये जो वैचारिक और सारे राष्ट्र में एक उत्पात का वातावरण बनाया जा रहा है, इसके पीछे एक सॉल एलिंस्की नाम का अमेरिका का एक प्लानर था, जिसने कम्युनिज्म के लिए बुक ऑफ रेडिकल्स उसने लिखी थी और प्लानिंग की। उसमें एक बड़ी जबरदस्त, उसके कुछ 13-14 सूत्र हैं, मैंने निकाले हैं, उन पर कुछ काम किया है। पहला सूत्र मैं आपको बताता हूं, शक्ति वही नहीं है जो आपके पास है, शक्ति वो भी है जो आपका शत्रु समझता है आपके पास है। अद्भुत सिद्धांत है, शक्ति वो भी है जो आपका शत्रु समझता है कि आपके पास है। तो आप अपनी शक्ति का अपने दुष्शत्रु को आभास कब करा पाए? अब आभास हो रहा है, दिल मिलाट जाता है, क्योंकि बिल में दवा पड़ी तो कीड़े बाहर निकलने शुरू हो गए। तो ये, और हो सकता है इसमें कीड़े काट भी खाएं, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, मगर ये सब इसका प्रोसेस का हिस्सा है, और इसमें बदलाव आ रहा है। ईमानदारी से, पूरी मतलब निष्पक्षता से आप अपने आप को जवाब दीजिए, मुझे मत जवाब दीजिए, सिर्फ हृदय पर हाथ रख के कहिए, आज से 2 साल पहले कभी सोचा था कि आर्टिकल 370 हट जाएगा? ये लाइलाज बीमारी समझ के हम सब सोचते थे 35 ये हट जाएगा, हम सोच सकते थे? 3 तलाक जो उमर का किया काम है, खलीफा का, उसको भारत में हटा दिया जाएगा, ये बहस हो सकती थी भारत में, मगर हो रही है। बदलाव आ रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं आ रहा है, मगर आपको लगता है वो उसका कारण ये है कि व्यक्ति और संगठन में एक विशेष अंतर है। व्यक्ति जब चलता है तो उसकी गति संगठन से हमेशा तीव्र होती है, मगर जब संगठन चलना शुरू करता है तो फिर व्यक्ति कहीं नहीं टिकता। अभी वो प्रोसेस शुरू हो गया है, उसके वो स्पीड अप हो रहा है, और अपेक्षा कीजिए कि सब बदलाव होगा जी। धैर्य से प्रतीक्षा कीजिए, धैर्य से क्या, इसमें अपना योगदान भी डालिए। हाँ। ये तो राष्ट्रोत्थान का यज्ञ है, इसमें आहुति डालिए, आप स्वयं भी डालिए, तो बदलाव आएगा। पार्थ सारथी जी, मैं आप तीनों का बहुत बड़ा समर्थक हूँ, तो फिर मैं बिल्कुल एतराज करूंगा कि मैं मेल का रिवॉर्ड नहीं देता, नॉट एट ऑल। मैं कॉमेंट आता है तो उस कॉमेंट तक का एक एक कॉमेंट पढ़ता हूँ, लाइक डिसलाइक करता हूँ, सबका जवाब देता हूँ, लोगों से गालियां खाता हूँ, ऐसा नहीं है, ये नहीं मान सकता जी, और सारथी नहीं मान सकता। मेल का ईमेल पे आप कह सकते हैं, क्योंकि ईमेल में रेगुलर वे में दिखता ही नहीं, मगर मुझे करें या व्हाट्सएप करें या मैसेंजर पर मैसेज दिया, मैं नहीं जवाब दूं, ये संभव नहीं। मैं व्यक्तिगत रूप से एक एक कमेंट देखता हूं, ये नहीं मानूंगा। हाँ, वो मेल का ही कह रहे हैं आपसे। कालिदासी जी, आपसे कैसे संपर्क करें? पार्थ सारथी जी नमस्कार,
मैंने ब्लॉक करके इसलिए रखा कि पहली चीज कि मेरे इस्लामिक एंसेस्ट्री जो है एक एपिसोड है उसकी वजह से ऐसे भी मतलब बहुत सारे मतलब अब्यूसिव वर्ड्स थ्रेट्स और ये सब आते थे कमेंट बॉक्स में, तो इस वजह से और बहुत सारे बच्चे भी मेरे चैनल देखते हैं तो मतलब कहीं गलत इम्पैक्ट ना पड़े इस वजह से मैंने कमेंट सेक्शन को ऑफ करके रखा है। मेरा ईमेल है मेरे प्रोफाइल में, मैं हाथ जोड़ के आपसे विनती करूंगी कि आप कभी भी संपर्क करना चाहें आप ईमेल के थ्रू मुझे संपर्क कर सकते हैं। आप एक बार बोल दीजिए मेरा आईडी आपका। जी मेरे ईमेल आईडी है sarakhankalidasi@gmail.com। जी बहरहाल कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिए अभी। जी हाँ अभी भी पूछ सकते हैं। अच्छा साधना त्यागी जी कह रही हैं कि मैंने 500 रुपए भेजे, लेकिन साधना जी आज तो नहीं आए हैं, पहले जैसे वो एक दिन पुष्पेंद्र जी वाले कार्यक्रम में आए थे उस दिन कई प्रश्न नहीं ले पाए, आपके जो पत्रम पुष्पम है वो पहुंचे हैं हमारे पास, आप चिंता मत कीजिए पहुंच गए थे। प्रश्न पूछ लीजिए। जी जी ले रहे हैं प्रश्न, उनका प्रश्न ले लीजिए। जी गिरीश जी पूछ रहे हैं भारत के बच्चों को राष्ट्रीय चरित्रों से परिचित कराना चाहिए, हमें वैज्ञानिक तथ्य के साथ सत्य प्रस्तुत करना जरूरी है, पंडित जी हम सब संकल्पित हैं। जी तो फिर जी मैं इसमें आपको एक जानकारी देता चलूं कि केंद्र सरकार इस पर कार्य कर रही है और शायद 1.5 साल का समय लगेगा, रीराइट की जा रही हैं पुस्तकें। अब वो कितनी हमारी अपेक्षा पर खरी उतरे, क्योंकि व्यक्तिगत अपेक्षाएं हमेशा व्यक्ति की अधिक होती है और जो संचालन करते हैं व्यवस्था का उनके कार्य उनकी जिम्मेदारियां उनकी दृष्टि, क्योंकि मैं जहां खड़ा हूं वहां से देखूंगा तो मुझे शायद 100-200-300 मीटर दूर दिखाई देगा, जो 7वीं मंजिल पर खड़ा है उसे 3 मील दूर दिखाई देता है। तो ये जो केंद्र के लोग हैं जो सत्ता में बैठे लोग हैं ऊपर बैठे लोग हैं बहुत दूर तक देखते हैं और उनको बहुत सारे काम जिनकी हमको समझ नहीं है उसके हिसाब से करने पड़ते हैं। कई बार वो हमको लगता है कि दब गए घबरा गए डर गए सब बातें होती हैं, मगर वो दिशा बिल्कुल ठीक दिख रही है उनकी कि वो काम तो कर रहे हैं इसमें, और राष्ट्रीय चरित्रों के प्रति उन लोगों का काम हो रहा है इसमें, ये तो है हो तो रहा है, और अपेक्षा कीजिए वो बदलाव शायद 1.5 साल में आएगा। जी दिगंत शर्मा जी अग्रहता चतुरो वेद पृष्ट शश्रम धनु इदम ब्रह्मम इदम शस्त्र शरदपि शरदपि, ये तो इन्होंने श्लोक बताया है जी लेकिन प्रश्न नहीं है ये। सम्यक चरिता मोस्ट ऑफ द एक्स मुस्लिम्स ऑफ अ रीजन प्रेफर टू बिकम एथीस्ट्स व्हेन एक्चुअली देयर फोर फादर्स वर हिंदूस, व्हाई एंड हाउ कैन दे बी टॉट द वास्ट डिफरेंस बिटवीन सनातन एंड अब्राहमिक रिलीजन्स। कौन लेना चाहेगा जी पहले? आप पर है, जिसको देंगे वो बोलेगा। कालिदासी जी आपसे लेते हैं पहले, फिर तो खेल जी से लेते हैं। जी ये जो सम्यक चरित्र भाई साहब जो पूछ रहे हैं कि मोस्ट ऑफ द एक्स मुस्लिम्स ऑफ आवर रीजन प्रेफर टू बिकम एथिस्ट व्हेन एक्चुअली, देखिए हम लोगों को भी पता है और हम लोगों के नानी दादी और वो जो एंसेस्ट्री है उससे भी हम लोगों को पता था कि हम लोगों के चार शायद पुश्त जो कहा जाता है वो उसके पहले वो राजपूत थे, तो कि कोई ना कोई उनकी मजबूरी रही होगी, चाहे वो तलवार के जोर पे, चाहे वो पैसों के लिए, चाहे वो मतलब किसी स्पेसिफिक चीज को अक्वायर करने के लिए उन्होंने अपने मतलब रिलीजन अपने बिलीफ सिस्टम को भी चेंज किया। तो द थिंग इज दैट कि ये तो हर किसी को पता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुझे पता है, ये हर किसी को, ये तो अरब से चला रहा है ये जो बीमारी है मतलब जिसको हाँ, तो मैं वही चीज आपको बता रही हूँ कि ये जो इस्लाम का जो डॉक्ट्रिन है इट इज फिल्ड विद अ लॉट ऑफ प्रेशर डॉग्मा एंड डर, तो ये जो डर को इतना ज्यादा ये लोग ना चंगुल को मतलब बच्चों के ऊपर, जैसे मैं बड़ी हुई हम लोगों को डराया जाता था, तो मतलब कुछ कुछ ऐसे भी पीरियड आते थे समय मतलब लाइफ में कि हम लोगों को लगता था कि इस घुटन की चीज से बाहर निकला जाए, कि आप छोटे कपड़े नहीं पहन सकते हो, आप बाल नहीं काट सकते हो, आप मेकअप नहीं कर सकते हो, आप आईब्रो नहीं बना सकते हो, आप नाखून नहीं कलर कर सकते हो, मतलब ऐसे ऐसे लेवल में सफोकेट किया जाता है ऑन द बेसिस सिर्फ कहा जाता है कि ये अल्लाह का निजाम है, ऐसा अल्लाह और रसूल ने कहा है, हालांकि इसमें क्या रियलिटी है क्या नहीं, मुझे तो ये एक फैंसी एक तरीके का मतलब मजाक ही लगता है। तो ये सारे बंदिश से लोग इतना ज्यादा सफोकेट
एजुकेटेड हो जाते हैं कि मैं भी उस दौर से गुजरी हूँ कि मैंने मैंने भी हर चीज को डिस्कार्ड किया, मैंने भी खुद को कहा कि मैं इंसान पहले हूँ और सारे जितने भी रिलीजन हैं उनको मैंने भी टाटा बाय बाय किया था। एक ऐसा वर्ष भी गुजरा मेरे जीवन में कि मैंने इन सब चीजों पे बिल्कुल भी मेरा विश्वास ही नहीं था, बिकॉज जो सप्रेशन था उस सप्रेशन से जब मैं बाहर निकली उसके बाद जो कुछ भी मतलब सिचुएशंस मुझे फेस करना पड़ा, सो दैट वॉज वेरी पेनफुल। और इन सारे सिचुएशंस की वजह से ही फिर एक इंसान इस्लाम से निकलने के बाद किसी और चीज में नहीं जाके वो मेजॉरिटी मतलब जो यूथ है वो एथिस्ट ही बनते हैं, वो डिस्कार्ड करने लगते हैं, हालांकि वो जानते नहीं है कुछ सनातन के बारे में, बट वो इमिजिएटली खड़े होकर सिर्फ डिस्कार्ड करते हैं बिकॉज उनको बंदिश से घुटन होती है, उनको वो प्रेशर से घुटन होती है, उनको वो डूज एंड डोंट से घुटन होती है। तो आई थिंक हमारा एंसेस्ट्री तो हर कोई को पता है कि हम हिंदूज हैं, हमारे जो वो वंशज और पूर्व सारे सनातनी हैं, और ये जो बीमारी आई वो बीमारी इन्फेक्ट की अरबियन थोड़ी है, मेरे दादा मेरे नाना या मेरे परदादा सारे तो हिंदुस्तानी हैं, काले ब्राउन वाइट हर तरीके के हैं, मतलब हैं तो इसी मतलब लैंड के। तो ये जो सनातन को उन्होंने जब त्यागा किसी कारणवश या डर के कारण या व्हाटएवर, और जब एक मुस्लिम त्यागता है मतलब अपने इस्लाम को, मोस्टली वो त्यागता है अपने प्रेशर घुटन के कारण, और वो जब उस घुटन से बाहर निकलता है तो वो फिर ऐसे किसी चंगुल में नहीं पड़ना चाहता। देखिए मैं एज अ मुस्लिम मुझे बहुत ज्यादा ही एक अलग रिप्रेजेंटेशन दिखाया जाता था हिंदुओं के बारे में, तो जब मैं निकली तो मुझे ऐसा लगा, जब मैंने चीजों मैंने प्रैक्टिस करना बंद कर दिया तो मुझे ऐसा लगा कि अरे ये भी तो वैसा ही है, मैं इसमें क्यों जाऊं, मैं मुझे किसी में ही जाना है, मैं किनारे रहूंगी। तो ये तो एक मतलब आई थिंक दिस इज अ वेरी कॉमन परसेप्शन जो कि बिल्ड होता है, एक प्रेशर आ रहा है और हमको रॉन्ग इन्फॉर्म किया जा रहा है कि हिंदू गलत है, हिंदू मूर्ति पूजा करते हैं, हिंदू गाय को अपनी माँ मान लेते हैं, एक करोड़ देवी देवता है, वो जितना भी लोगों का सेम डायलॉग रहता है। तो ये तो गलत तरीके से इन्फॉर्म किया जाता है, तो बचपन से जब बच्चा देख रहा है तो वो कहाँ जाए, उसको पता है कि वो हिंदू भी बहुत ही डेंजरस जगह है, वहां नहीं जाना है, और इस्लाम में तो उसको घुटन हो ही रही है, तो वो दोनों जगह से हाथ जोड़ के फिर वो एथिस्ट बन जाता है। ऐसा मेरा मानना है क्योंकि एक वर्ष के लिए मैं खुद को भी एथिस्ट बोलने लगी थी। भारत में जो इस्लाम आया तो जहां जहां हिंदू लगातार संघर्ष चला, युद्ध होते रहे, मगर एक जो सामान्य समाज के स्तर पर प्रभाव आया कि हिंदुओं ने इस्लाम से अछूत मानकर उनके से दूरी बरती। आप विश्व में कहीं ऐसा नहीं पाएंगे कि जिस राजा जिस बादशाह के महल में जिस फकीर सेनापति है जो भी उस समय के थे इस्लामी, उनके महल में काम करने वाले लोग सुबह से शाम तक उनके यहाँ काम करते थे मगर पानी घर आकर ही पीते थे नहाने के बाद। ऐसा कभी नहीं हुआ है कि उनसे इतनी दूरी बरती हो कि हम तुम्हारे हाथ का पानी भी नहीं पिएंगे, तुम्हारे यहाँ पानी तक नहीं पिएंगे, सारे दिन भूखे प्यासे रहेंगे, काम करेंगे, विवश हैं। भंगी जो शब्द है उसका कारण क्या है कि ये जनेऊ पहनने वाले थे, इन्होंने चूंकि मैला ढोने के लिए बाध्य किया तो मुसलमान बनो नहीं तो तुम्हें मैला ढोना पड़ेगा सरों पर, तो इन्होंने जनेऊ तोड़ दिया, भंग कर दिया, और घृणा का एक भाव था, तो जाहिर है ये रेसिप्रोकल होगी, उधर से भी होगी। तो इस्लामियों के अंदर भी हिंदुओं को लेकर अप्रियता का कठोर भाव है, तो किसी भी मुसलमान के लिए अपने आप को ये दिखाने के लिए कि मैं प्रोग्रेसिव हो गया हूं, उसको सहज ये लगता है कि वो अपने आप को ये कहे कि मैं एथिस्ट हो गया हूं। हिंदू होने में उसके सर पर बोझ रहता है पुराना कि तुम कहां ये काफिरों का फलाना ढिमाका। और दूसरा एक कारण ये भी है कि दही उपलब्ध है, अब इसका हम आलू डाल के इसमें दही के आलू बनाएं या कढ़ी बनाएं तो हमको तय करना होगा। हिंदुओं की तरफ से भी आग्रह कहाँ है, हिंदू बन जाओ जी, कोई सिस्टम इस तरह का होना चाहिए ना। इस तरह का सिस्टम आर्य समाज के पास है, केवल हिंदू महासभा करती है तो हिंदू महासभा स्वयं जाके नहीं करती, उनके पास कोई आ जाएगा शुद्ध होने के लिए तो वो शुद्ध कर देंगे, बल्कि दिल्ली के हिंदू महासभा तो इतने नालायक हैं कि 5,000 रुपए मांगते हैं बजाय देने के उससे पैसे मांगते हैं।
तो आर्य समाज तो इसकी किताख में रहते हैं, आर्य समाज के लोग हैं, मगर बाकी लोग ये कार्य नहीं कर रहे। तो ये काम तो आपको निकल कर ही करना पड़ेगा। कोई मुसलमान इतीस न बने हिंदू बने तो इसके लिए उसके सामने प्रस्ताव तो देना पड़ेगा। हाथ झाड़ के कैसे काम होगा, छोड़ तो छोड़ने से तो बात बनेगी नहीं। तो उसका एक जो प्रॉपर सिस्टम है वो सिस्टम भी ग्रो हो रहा है और उसके कारण से भी ये स्थिति है। और अप्रियता का भाव लंबे समय से है मगर उनके अंदर धीरे धीरे समझ आ रही है। शुद्ध के लिए संघ परिवार को बहुत मेहनत करनी चाहिए, ये तो एक ठीक बात है, आप सही कह रहे हैं। संघ परिवार से कहें बढ़िया है, अच्छी बात है। हाँ। और आप अपना भी योगदान जरूर दें, अगर आप कर सकते हैं। ये मत सोचिए कि संघ परिवार करेगा या आर्य समाज करेगा, आप कर सकते हैं तो आप कीजिए, नहीं कर सकते तो जो कर रहे हैं उनका सहयोग कीजिए। वो आर्य समाज है या संघ है, आप उनकी सहायता कीजिए, सहायक बनिए, उनका बल बढ़ाइए। निखिल जी, यू गाइस आर आवर लास्ट होप, आई विश गवर्नमेंट शुड एड थियोलॉजी एज अ सब्जेक्ट इन स्कूल्स एंड लेट एवरीवन टू रीड कुरान एंड वेदा सो दैट दे कैन अंडरस्टैंड देमसेल्व्स। बंधु जब नंगी तलवारें थी भाले थे हम तब नष्ट नहीं हुए, तो अब लास्ट होप तो हम हो ही नहीं सकते, हम तो बहुत छोटे लोग हैं। बहुत बहुत जम के खाना बजाए, बहुत जम के खाना बजाए। आपको तीन घटनाएं बताई जाती हैं पानीपत की, ये तक नहीं समझते हम लोग कि पानीपत की लड़ाई में तो मुसलमान मुसलमान से लड़ रहा था, वो हमारी पराजय कहां से हो गई? तो एक मुस्लिम शासक दूसरे मुस्लिम शासक को पीट रहा है, हम हमारी पराजय कहां से हो गई इसमें? तो मगर वही घटनाएं पढ़ाई जाती हैं, जैसे आपको हल्दीघाटी बताई जाती है, उसके फौरन बाद जो देवेर का युद्ध है जिसमें महाराणा प्रताप ने 36 किले छीन लिए, मुगलों को काट के भगा डाल दिया वहां, उसके बारे में नहीं मालूम है लोगों को। तो ये कुछ चुन चुन के ऐसी बातें बताई गई हैं जिससे मॉरल डाउन हो, ऐसा नहीं कि हम तो बहुत सामान्य लोग हैं। मगर ये है कि प्रभु की इच्छा है, हो रहा है, हम लास्ट होप बिल्कुल नहीं है। बहुत बड़ा राष्ट्र है, बहुत बड़ा समाज है, और जिसके मन में ये चेतना है, बहुत बड़ा सनातन धर्म है जिसका ना कोई आदि है ना कोई अंत है। हमारे जैसे तो एक बारिश की एक बूंद की तरह आएंगे और फिर चले जाएंगे, लेकिन ये तो सतत प्रवाह है जो चलेगा। लेकिन निखिल जी, आपकी इस बात से मैं 100% सहमत हूँ कि इस्लाम के बारे में स्कूलों में ही पढ़ा दिया जाना चाहिए कि ये क्या है, ताकि लोग इसे ठीक से समझ सके। बिल्कुल ठीक बात। और आज एक कालीदासी हमें मिलती है, हमें तो हर गली में हर मोहल्ले में कालीदासी मिल जानी चाहिए कि जिन्हें पता हो कि मैं क्या छोड़ के आई हूँ। मैं ऐसे लड़के जानता हूँ जो चाहते हैं, ऐसी लड़कियों को जानता हूँ जो मुसलमान लड़कियां चाहती हैं शादी करना हिंदुओं से, मगर उनको ये विश्वास होना चाहिए कि एक सुखद अच्छा भविष्य, सम्मानजनक भविष्य। कालिदासी जी को उनके पर ससुराल में उनके पति से उनके सब लोगों से इतना प्रेम मिलना चाहिए कि वो अपने रास्ते पर और 10 को लेकर आए। गंभीरता ये रहनी चाहिए, ये टीनेज की हार्मोनल मस्ती नहीं चाहिए, उसके प्रति गंभीरता पूरी कि हाँ तुम मेरे परिवार में आ रही हो तो मेरे आर्य संतानों की माँ हो, तुम मेरा परिवार का गौरव हो, ऐसी मनस्थिति बनाइए, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बड़े पैमाने पे खुल जाएगा। वहां तो स्थिति बड़ी बुरी है, महिलाओं को मारना पीटना, उनकी दुर्गति करना, हर प्रकार से उनको प्रताड़ित करना। मैं तो चूंकि उर्दू का आदमी हूं, मैंने देखा है, मेरे दोस्त जो शायर थे कि वो खाना खा के आ रहे हैं और पूछा उनसे तो उनका आर्य काफिर पड़ता है, खा लिया होगा, मतलब वो अपने बनाने के लिए उनको चाहिए, बाकी उनकी बीवी तो उनके लिए बिल्कुल उनकी सेविका है, बच्चों की चिंता वो नहीं करते थे ढंग से। तो ऐसे समय में, ऐसे समाज में अगर उनको एक अच्छा सपोर्ट मिलेगा, उनको लगेगा कि भविष्य सुखद होगा, तो क्यों नहीं आएंगे। यही ईरान की लड़कियां, यही सऊदी अरब की लड़कियां जब अमेरिका जाती हैं, कनाडा जाती हैं, तो फटाफट शादी करके बैठ जाती हैं, उनको समस्या नहीं होती। तो वो दबाव तो हमको वो क्रिएट करना पड़ेगा जी। विशाल जी कह रहे हैं, स्पिरिचुअल गुरुज इन इंडिया आर फोकसिंग ओनली ऑन लव एंड डांस एंड सिंगिंग एंड मेडिटेशन, दे हैव ह्यूज फॉलोइंग्स येट दे आर नॉट ओपनली फाइटिंग द इस्लामिक आइडियोलॉजी, व्हाट शुड कॉमन मैन फॉलो? मालूम जी, जी विशाल जी, आपकी बात, जो ये व्यक्तिगत जो कथावार्ता करने वाले लोग हैं उनके संदर्भ में सही है। मैं आपको ऐसे लोग बता सकता हूं जैसे श्री श्री रविशंकर, इस पर बड़े गंभीर हैं, जग्गी वासुदेव, इतना खरा, इतना पैना चौकन्ना, बिल्कुल दो टूक बात कहने वाला,
उनका इंटरव्यू लंदन में हो रहा है और उनके इंटरव्यू जो स्टेज पर शेयर कर रहे हैं उनमें से एक लड़का पाकिस्तान का है, वो कहता है कि हमारी और आपकी दोनों की एक संस्कृति है, शांति नहीं है। शांति कैसे होगी? दो टूक बात कि जब तक ये चिंतन कि जो मुझसे भिन्न सोचता है उसे मार दिया जाए, जब तक नष्ट नहीं होगा ये शांति नहीं होने वाली। वो काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं, बहुत सारे लोग हैं। मगर आपका कहना इस प्रकार का, मोरारी बापू टाइप के जो ये नामेबाज हैं, कथा बतावक कीर्तन मंडली लेके बैठे रहते हैं, उन लोगों के लिए ठीक है, मगर ऐसे लोग हैं और चौकन्ने काम कर रहे हैं। ये डासना वाले, क्या नाम इनका, नरसिंह आनंद है, वो भरपूर धाड़ रहे हैं, और ऐसे बहुत सारे हैं जैन परंपरा के बहुत से सन्यासी हैं जो बिल्कुल खरे बोल रहे हैं और अपने समाज को चौकन्ना कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि केवल उस पर ही है स्पिरिचुअल गुरुज, मगर हाँ ये आपकी बात ठीक है। आप शायद ये आचार्य रजनीश के बारे में कह रहे हैं, मगर उन्होंने जो इस्लाम की रगड़ाई की आपने वो नहीं सुना, वो कम कसके उन्होंने काम किया, ऐसा नहीं कि काम नहीं हो रहा, हो रहा है। और विशाल जी, शायद कुछ जी जो टीवी चैनल्स पर ऐसे आते हैं कि उन्होंने बस वो राधा कृष्ण की बात करेंगे, जबकि कृष्ण तो सारा जीवन युद्ध लड़ते रहे हैं, उसकी बात नहीं बताते, तो इतना विशाल जी का कहना भी ठीक है। कैसे बहुत सारे हैं जिनके फॉलोअर्स हैं लेकिन वो ये नाच गाने में ज्यादा समय लगा देते हैं उसमें। भारत वेद प्रकाश जी, व्हाई डोंट वी राइट अबाउट हिंदू जेनोसाइड? हिंदू सफर्ड द वर्स्ट पर्सिक्यूशन ऑफ ऑल व्हिच इज डॉक्यूमेंटेड बाय कंटेंपरेरीज। निगेशन हैज मेड अस शीप, भेड़े बना दिया है जी। ये भेड़ बना दिया, ये तो जरा ज्यादती हो जाएगी, मगर ये बात ठीक है कि जो इस धरती पर हुआ है उसको इतिहास में नहीं दर्ज किया जाता। मगर भारत का पहला शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आजाद भारत में पैदा नहीं हुआ, न माँ भारती न बाप भारती, एक दिन के लिए भी स्कूल नहीं गया, यूनिवर्सिटी कॉलेज तो बहुत दूर की बात है, स्कूल की शिक्षा एक दिन नहीं गई। वो घोर मुल्ला, बिल्कुल टिपिकल मुल्ला, और वो शिक्षा मंत्री बनेगा तो उससे क्या उम्मीद की जाएगी? शुरुआती चार हमारे जो शिक्षा मंत्री थे वो इसी परंपरा के थे, उन लोगों ने इसकी चिंता की, मगर इस पर काम हुआ है। एक दो खंडों में किताब है, हिंदू टेंपल्स व्हाट हैपेंड टू देम इन मुस्लिम एरा इस्लामिक एविडेंसेस, उसमें ये नेट पे आप चाहेंगे तो वॉइस ऑफ इंडिया की किताब है, ये आपको निशुल्क मिल जाएगी, डाउनलोड हो जाएगी, और उसमें जो इस्लामी प्रमाण हैं बादशाहों ने, उनके सेनापतियों ने, सूफियों ने जो जो लिखा है कि उन्होंने क्या किया, उनकी अपनी किताबों उनके आधार पर ये है। तो ये बात सच है कि जेनोसाइड हुआ, करोड़ों लोग मारे गए, बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही थोड़ी पाकिस्तान बन गया, ऐसे ही थोड़ी अफगानिस्तान बन गया, उस सच को दर्ज करना चाहिए। आशा कीजिए डेढ़ वर्ष में हो जाएगा, मगर भेड़ बन गई ये बात ठीक नहीं। जेनोसाइड हुआ तो मार भी बतवी से मर गई, ऐसा नहीं कि मार। आखिर दुनिया में केवल दो देश हैं, स्पेन और भारत, जहां इस्लाम की पराजय हुई है, अदरवाइज 10 साल 5 साल 15 साल में पूरा पूरा राष्ट्र नष्ट कर दिया उन्होंने, मगर ये नहीं कर पाए। और आज भी पाकिस्तान बांग्लादेश भारत की जनसंख्या मिला ली जाए तो भी मुस्लिम जनसंख्या 9 से अधिक नहीं है, सारे प्रयास और थोड़ा बहुत नहीं 1200 साल के प्रयास के बाद ऐसा हुआ है। तो राजनीतिक चूंकि हमसे हुई है, मगर ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एक तरफा भेड़ बन के मरे, ऐसा बिल्कुल नहीं है, लड़ते रहे हैं। दिगंत शर्मा जी ने उसका अनुवाद कर दिया, आगे चार वेद रखता हूं, पीठ पे धनुष में मैं ब्राह्मण हूं, जो धर्म के खिलाफ होगा उसका शास्त्र, उसको शास्त्र से मारूंगा या फिर शाप से, शाप देने की अब औकात नहीं है पर समर्पण पूरा है। क्या बात है, प्रभु आप पर कृपा रखें, भगवती आपको यशस्वी करें जी। बहुत सुंदर बात है, बहुत सुंदर बात है, ये चिंतन हम सबका होना चाहिए। दिगंत जी, वेद व्यास मत्स्य कन्या के पुत्र थे, वाल्मीकि शूद्र थे, ब्राह्मण मतलब जिसे ज्ञान हो ब्रह्म का, जन्म से अधिकार नहीं है, समर्थ से अधिकार है सनातन में है जी। बिल्कुल ठीक, सही बात है जी। कनिष्क विक्रमादित्य जी, सर मैंने तो फिक्स कर दिया है कि अब हर महीने जकात की तरह 1000 रुपए डोनेट करूंगा, आप जैसे लोगों के लिए अब जकात का जब देना होगा लोगों को तो फेल प्लीज आगे कट गया, लेकिन वो हमें उनका भाव समझ में आ गया। कनिष्क जी आपको ये धर्मांश निकालना ये बहुत आवश्यक कार्य है, बहुत आवश्यक कार्य है,
और मैं तो इस तरह से कहता हूं, जिससे न्याय मंच के लिए निवेदन करता हूं, और फिर यहां निवेदन कर दूं कि न्याय मंच को अभी जितनी आवश्यकता है उतना है, इसलिए हमें मत दीजिए। न्याय मंच के पास आवश्यक जितना है उतना है, पर्याप्त है हमारे खाते में, तो अभी मत दीजिए। तो वर्ष में एक बार जिस महीने में हमारी सबसे कम आय है उसका 10%, यानी वर्ष का 1% से भी कम, ये निकालिए। ये कोई बहुत बड़ी राशि होती है ऐसा नहीं, मगर 2 वर्ष से के आसपास हुए हैं न्याय मंच को चलते हुए, कोई करोड़ से ऊपर रुपया भारत ने, राष्ट्र ने स्वयं दिया। ये 100 करोड़ लोगों की तुलना में अगर 1 करोड़ की संकलन समझें तो कुछ नहीं है, मगर ये आज तक नहीं हुआ पहली बार, तो ये बहुत बड़ी राशि है। और उसकी कल्पना कीजिए कि जो ऐसे अखलाक उसने बछड़ा मार के हिंदुओं को खिला दिया बकरा बता के, तो उसका फिर मारपीट हुई, उसमें मर गया। 18 लोगों को 1-1 लाख रुपया उनके परिवारों तक न्याय मंच पहुंचा कर आया। 1 लाख रुपए से जीवन नहीं चलता, कोई बड़ी बात नहीं है, मगर आश्वस्ति आती है कि मेरे कंधे पर राष्ट्र है, मेरी पीठ पर समाज है, एक भाव आता है। और एक सामान्य व्यक्ति के लिए 1 लाख रुपए से जमानत की व्यवस्था भी हो जाती है, घर में जो परेशानी है उसकी शुरुआत में तो होता ही है कुछ, और बाकी समाज करे जी। तो ऐसे कार्यों में जरूर करना चाहिए, बहुत ही अच्छी बात है, राशि तो करनी चाहिए। अब नीरज जी लगे हैं, अपना जीवन इसी काम में लगा रहे हैं, और ये सिर्फ कैमरा नहीं है, इसके पीछे एक पूरा सिस्टम है, तो उसका खर्चा कहाँ से निकलेगा, वो तो करना ही चाहिए, बहुत अच्छी बात है। नीरज जी बहुत बहुत आभार है आपका। वरुण जी, प्रणाम विनय जी, आज के राष्ट्रवादी नेताओं का पॉलिटिकली करेक्ट होने की भावना अखंड भारत की सोच कितनी नुकसानदेह हो सकती है, हो सकता है? ये 2 वाक्य आपने एक साथ जोड़ दिए, आज के राष्ट्रवादी नेताओं का पॉलिटिकल करेक्ट होने की भावना अखंड भारत की सोच के लिए कितनी नुकसानदेह हो सकती है, ऐसे रख लेते हैं जी। एक बात आपको बिल्कुल स्पष्ट बता दूं, क्योंकि हम सब एक ही अखाड़े के हैं, जिन्हें आप राष्ट्रवादी कह रहे हैं वो बेसिकली संघ भाजपा के लोग हैं, वो मुझसे सीनियर हैं, मैं उनकी सोच बहुत अच्छी तरह जानता हूं और वो मेरी सोच अच्छी तरह जानते हैं, हम बिल्कुल एक ही धारा में तैरने वाले एक ही अखाड़े के लोग हैं, वो उस्ताद हैं, मैं उनका शागिर्द हूं, इतना कह लीजिए, बिल्कुल भी अंतर नहीं है, चिंतन उनका स्पष्ट है और वो लगातार उस कार्य में लगे हैं। अखंड भारत एक दिन में नहीं होने वाला, उसका आधार यही है कि आप शुद्धि कीजिए अपने स्तर पर। 2 लोगों को, वरुण जी आप ज्वेल हैं तो मैं समझ सकता हूं कि आप उत्तराखंड से होंगे, कल परसों मैं बैठा था एक सज्जन के साथ जो उत्तराखंड के चीफ जस्टिस रहे हैं, वो कह रहे थे कि 25 वर्ष के अंदर उत्तराखंड इस्लामी राज्य बन जाएगा, इतने बड़े पैमाने पर इन्फिल्ट्रेशन हो गया, और वो ठीक कह रहे हैं। मैंने 35 साल पहले बद्रीनाथ में मुस्लिम दुकानदार, गंगोत्री में मुस्लिम दुकानदार देखे हैं, वो दुकान कहाँ से खोलते हैं? सब्जी की दुकान खोलेंगे तो दुकान कौन देगा उन्हें? तो आपको इसकी चिंता तो करनी पड़ेगी, और फिर परेशान होकर वो लड़की लेकर भाग गए, इसका ध्यान तो खुद ही करना पड़ेगा आपको, अपने बारे में ध्यान तो करना पड़ेगा। जैसे एक नाम बताता हूँ, काला ढोंगी, नैनीताल जाने के लिए रास्ता में पड़ता है छोटा सा, हल्द्वानी से पहले गाँव सा है। आज से 15 साल पहले वहां 2 दुकानें थी, अब वहां पर तकरीबन 5,000 लोग हैं, पूरा गांव का गांव बिल्कुल बदल गया। बदला किसने? जमीन किसने दी, मकान किसने दिए किराए पर बेचने के लिए? सब आप ही तो कर रहे हैं, मैं ही तो कर रहा हूं, इसका ध्यान तो करना पड़ेगा। और प्रयास कीजिए, दबाव दीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है, दबाव दीजिए, हो जाएगा। उन्हें भी मालूम है कि वो उनके पूर्वज हिंदू हैं, जैसे कालिदास जी को पता है कि 3 पीढ़ी पहले हमारे पूर्वज थे, राजपूत थे, सबको पता है। उनको रास्ता दीजिए और रास्ते पर धकेल ही नहीं जाते तो। विशाल जी कह रहे हैं, टेंपल्स लाइक कैलाश टेंपल शुड बी अलाउड टू स्टार्ट रेगुलर पूजा एवरी डे, इट इज डिसहार्टनिंग टू सी पीपल जस्ट विजिटिंग इट लाइक अ रुइंड आर्टिफैक्ट। अब ठीक है, दवाओं की बात है, कितना हो सकता है, बात ठीक है। अल्टीमेटली इट बॉयल्स डाउन टू अस कि हम क्या करते हैं, हम कितना दबाव क्रिएट कर सकते हैं। अगर हमने किया अपना काम, जागरूक होके किया, तो सरकारें फिर मानना शुरू कर देती हैं। कैलाश मंदिर में जाइए ना पूजा करने,
रोग कौन रहा है, उपासना करना शुरू कीजिए, आरती पूजा ये सब कीजिए, कोई रोकेगा तो उससे कहिए ये मेरा अधिकार है, मेरे पूर्वजों का है, शुरू तो करना पड़ेगा। साइलेंट स्टार, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच जो कि शाखा है उस पर क्या विचार है, उन्होंने फ्रांस के राष्ट्रपति का काफी विरोध किया हाल में ही। बंधु जो यहाँ उत्तर देने के लिए उपस्थित नहीं है उस पर आरोप लगाने से या उसको कुछ कहने से ये शायद ठीक नहीं है। उसमें कुछ लोगों ने निश्चित रूप से फ्रांस के राष्ट्रपति का विरोध किया, बदतमीजी की है, इस पर उनके कुछ स्टेटमेंट भी आए हैं, मगर इसके लिए अधिकारी मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के ही लोग हैं, उनसे ही पूछा जाना चाहिए। उन्हें आमंत्रित करेंगे कभी? इसका पक्ष तो निश्चित रूप से हमें से कोई नहीं लेगा, मगर इसका उत्तर उन्हीं को देना चाहिए। दिगंत शर्मा जी, मैंने 50,000 हर महीने देना है। वाह, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। 5-7 लोगों को तय कर लीजिए, कुछ जयपुर डायलॉग में डालिए, कुछ यहाँ डालिए, कुछ नया वंश में डालिए, कुछ और भी लोग होंगे क्या अंकुर आ रहे हैं उनके चैनल को दीजिए, और जो भी आपको उपयुक्त लगते हो जिस प्रकार का जरूर दीजिए। विशाल कोठारी जी, आभार आपका, बहुत 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 धन्यवाद है। और भारतीय योगेश सोमन, नीरज जी थैंक्स, और काली जी अब दासी नहीं रही, वैसे युगांधर चेंज होने वाला है और सब अवतार लेंगे। ये वो काली की दासी है, किसी और की नहीं है भैया। काली दासी जी बोलिए ना, क्या कहना चाहते हैं? मैं तो बस इनकी दासी हूँ जी, वो पीछे दिखाई दे रही है जी। विशाल कोठारी, विशाल जी आभार आपका बहुत बहुत। अच्छा, स्टार्टिंग में ना कुछ लोग ये प्रश्न पूछ रहे थे कि जब आप अखंड भारत की बात कर रहे हैं तो पहले आप अपने देश के जो लोग हैं उनको तो कन्वर्ट कर लें, जो ईसाई और मुसलमान है, बाकियों का बाद में सोच सकते हैं। तो नमरज कुमार जी, सभी को नमस्ते, नीरज जी आपके इस महायज्ञ थोड़ा मदद करता हूँ, नेपाल से। वाह, नेपाल वाले तो आजकल खूब काम कर रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाने का हो रहा है वहां पर। जय हिंदू राष्ट्र, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, आप लोग काम कर रहे हैं, बढ़िया बात है, बढ़िया। और इसी तरह से अगर जैसे वहां पर लोग सड़कों पे आए हैं तो इसी तरह से जब हम किसी काम के लिए जुट जाता है समाज तो फिर जो सरकारें हैं उनको भी काम करना ही पड़ता है। अजेंद्र जी, मैं बेंगलोर रहता हूँ, घर कुछ दिन के लिए आया तो पता चला घर के आधे से ज्यादा बच्चे इस्लामिक और ईसाई हो गए, अभी उनका शुद्धिकरण कर रहा हूँ, घर में हवन शुरू है। श्रेष्ठ कार्य है, यशस्वी हुई है, बहुत अच्छी बात है, और आसपास के बंधुओं को मित्रों को भी साथ में जोड़िए, बहुत अच्छी बात है। वही कारण है, वैक्यूम है, आइडेंटिटी का क्राइसिस है, बच्चे घर के लोगों की तो कुछ एक एज होती है जिसमें होते ही नहीं, आसपास में जो वातावरण है उसी से हमने संस्कार भी नहीं दिए। ये बच्चे बड़े हो रहे थे तो हमने कौन सा यज्ञ किया, कौन सी उन्हें कथाएं बताई, अब पहले तो वो एक अमर चित्र का तहाती थी उसे ही बंद हुए, 15-20 साल हो गए, बच्चे जाने तो कहाँ से जाने, और ऊट पटांग सी जो टीवी सीरियल हैं बेसिर पैर के वो आ रहे हैं, तो अपने घर में महाभारत के बारे में, रामायण के बारे में, पूर्वजों के बारे में बताइए, तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। पार्थ सारथी जी, मेरा सवाल था कि हम सनातन से हिंदू कैसे बने, क्या वेदों में हिंदू शब्द का प्रयोग हुआ है? नहीं हुआ जी, हमारा धर्म है सत्य सनातन, तो आज हिंदू धर्म क्यों बोला जाता है? सत्य सनातन भी हिंदू की तरह वेद में नहीं है, वहां केवल धर्म है, न सत्य सनातन है न हिंदू है, हिंदू तो हमें जो बाहर के लोग उन्होंने कहा है, मगर ये प्रचलन में है। जैसे एक शब्द है सिख गुरु, सिख गुरु कैसा होगा, शिष्य और गुरु एक साथ कैसे हो जाएगा, मगर व्यवहार में है, 10 सिख गुरु कहे जाते हैं, टेक्निकली वो शब्द ठीक नहीं है, 10 गुरु, मगर फिर 10 गुरु तो शंकराचार्य भी तो है इसमें, इसलिए एक आइडेंटिटी के लिए बनाया हुआ है, तो इस तरह से है। हिंदू शब्द तो बाद का शब्द है और इसका जिक्र कहाँ है बताना बड़ा मुश्किल है,
वर्तमान की चीजें हैं, मगर विदेशी हमको पहले से पुकारते हैं, काफी समय से पुकारते हैं। कल मेरी कालिदास जी के चैनल पे चर्चा हुई थी इस बारे में, जो सबसे पुराना इंस्क्रिप्शन हमें मिलता है इस शब्द का वो डारियस टू की इंस्क्रिप्शन है और लगभग 600 BCE की इंस्क्रिप्शन है, 400 से 600 BCE की इंस्क्रिप्शन है। हाँ जी, डारियस टू में, डारियस, डारियस। जनक सिंह जी, मेरा क्वेश्चन ऊपर चला गया सर, प्लीज ले लो। जनक सिंह जी, आप दोबारा डाल दीजिए क्वेश्चन, पैसे मत दीजिए, हम क्वेश्चन ले लेते हैं आपका। अच्छा, पार्थार्थी जी, इनका तो प्रश्न हो चुका है पहले से ही। डीपीएस जी, कुतुब मीनार पर भी हिंदुओं ने कोर्ट में दावा कर दिया, काशी मथुरा की लड़ाई भी तेज हो गई है, आज का हिंदू सनातन को समझने लगा है, जिस दिन सारे सनातनी जाग गए 40,000 मंदिर पौरुष से वापस लेंगे, कोर्ट से नहीं। बिल्कुल ठीक, यही हल है, यही हल है, बिल्कुल ठीक बात है। तो फेल जी ने स्टार्टिंग में यही बात बोली थी कि ये जो आपको परिवर्तन दिखाई दे रहा है ना, उसको अंडर एस्टिमेट मत कीजिए, ये पहली बार हो रहा है 70 साल में, और इसका मोमेंटम जब एक बार बन जाएगा तो आप देखेंगे कि आज तो कई लोगों को लग रहा है कि हम अखंड भारत की जब बात कर रहे हैं तो हम कोई हवाई किले बना रहे हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि इसको जब होने लगेगा तो इतना जल्दी हो जाएगा कि आप समझ भी नहीं पाएंगे कि कितनी जल्दी हो गया। तैयारी मगर करनी पड़ेगी, अनकॉम्प्रोमाइजिंग रेजिलियंस, नाम बड़ा सुंदर है। Are Hindus doing the mistake of blindly outsourcing their political responsibility to Sangh BJP and relying on them like they did the same mistake with Congress in 1930s and 40s? Vinay ji, zyadti hogi ye kehna to, magar ye baat bilkul theek hai. Main ye is baat ko manta hu ki jo rightist group hai, Sangh, Bhajpa aur jo bhi dal isme hai, wo right bane rahe, iske liye ultra right ki zarurat. अन्यथा मनुष्य का स्वभाव है कि वो सहजता ढूंढता है, और राइटिस्ट बने रहने के लिए जूझना तो पड़ेगा लेफ्टिस्ट से, जो मध्यमार्गी हैं उनसे। तो ये लेफ्टिस्ट ना बन जाएं, ये सेंटर या थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ ना झुक जाएं, इसके लिए अल्ट्रा राइट जरूरी है। दबाव देते रहिए, हो जाएगा, सब हो जाएगा, दबाव लगातार चाहिए, चेतना बनाए रखिए। कालिदास जी, कुछ कहना चाहेंगे इस पे? देखिए, मैं तो ऐसे नॉन पॉलिटिकल हूँ, बट जो पॉलिटिकल हिस्ट्री देखती आ रही हूँ, सुनती आ रही हूँ, और फिर जो थोड़ा बहुत ही गहन अध्ययन करती हूँ या क्लोजली ऑब्जर्व करती हूँ, तो मैनिपुलेशन तो हर जगह है। और तुफैल जी ने बिल्कुल सही कहा कि वो हमें वो अल्ट्रा, ये मतलब वो बन के रहना पड़ेगा, अल्ट्रा नेशनलिस्ट, या मतलब वो एक अलग सेगमेंट हमें खुद से ही मतलब तैयार होके रहना पड़ेगा, ताकि हम हमारे अंडर प्रेशर या हम लोगों को यूनाइटेड देख के सामने वाला भी मतलब सही रास्ते पे रहे। बट बहकने के तो चांसेस बहुत ज्यादा है, बहुत मतलब करप्शन, पैसा एक ऐसी चीज है, शोहरत एक ऐसी चीज है, और ये सारी चीजें एक ऐसी चीज है कि लोग मार्ग से भटक ही जाते हैं, इट इज वेरी ऑब्वियस जी। मैं एक उदाहरण से बात करता हूं, अभी हाल राम जन्मभूमि में शिला पूजन होनी थी, तो मुस्लिम मंच के किसी लीडर ने ये सब कहा कि वो एक सज्जन हैं, वो अपने कहां से मिट्टी लेके चलेंगे और वो भूमि पूजन करेंगे। सोशल मीडिया से हम सब लोगों ने दबाव बनाया, किसी माई के लाल की हिम्मत नहीं पड़ी ये हरकत, वो तो प्लानिंग तो थी। अच्छा, हमारा सिर्फ इतना कहना था कि अगर वो राम जन्मभूमि में इतनी आस्था रखते हैं तो वो तो मंदिर है, बुद्ध परस्ती इस्लाम में कुफ्र है, तो हिंदू हो जाइए, फिर जो मर्जी आए कीजिए, हम ही आपके पैर पूछ के आपको लेके जाएंगे आगे आगे, आपकी अगवानी हम स्वयं करेंगे। तो ये जो दबाव था उसने सीधा कर दिया सारा, हिम्मत ही नहीं पड़ी किसी की, तो वो दबाव आवश्यक है। और ये हम आप बड़े आराम से घर बैठे बैठे भी कर सकते हैं, आज तो सोशल मीडिया ने इतनी शक्ति दे दी है कि आप घर बैठे भी ये काम कर सकते हैं। अंकित जी, आपका बहुत बहुत आभार। गोपाल कृष्ण जी, इट विल बी हैप्पीएस्ट मोमेंट इफ पाकिस्तान ब्रेक्स एंड सिंध, माय ग्रैंड पेरेंट्स होमलैंड गेट्स फ्री, आई एम इन फॉर इट एंड अ कट्टर हिंदू जी। और पाकिस्तान टूटने में भी
जो वहां के हालात हैं, पाकिस्तान के चार टुकड़े किस दिन हो जाएंगे? आप कई लोगों का ऐसा मानना है कि किसी भी दिन हो सकता है ये, क्योंकि ये तो आर्टिफिशियली उनको बांध के रखा हुआ है। जिस दिन थोड़ी सी भी ढिलाई हो गई तो ये आपको देखने को मिलेगा। और सिंधियों ने तो इतने वहां अत्याचार सहे हैं, कई बार लगता है कि हो जाए तो बहुत अच्छी बात होने वाली है। अच्छा, एक प्रश्न मैं आप दोनों से पूछना चाहता हूँ, क्योंकि कई लोग ये पूछते रहते हैं। उनका प्रश्न मैं पहले कालिदासी जी से पूछ रहा हूँ, फिर विनय जी आपके पास आता हूँ। ये एक ना एक प्रोपेगेंडा ही मैं कहता हूँ इसे, कि ऐसा कहा जाता है कि बहुत सारे सेलिब्रिटीज इस्लाम को अपना रहे हैं। जैसे माइक टाइसन का एग्जाम्पल दिया जाता है लेटली, कि उन्होंने इस्लाम को अपना लिया, तो इसके बारे में आप क्या कमेंट करना चाहेंगे? देखिए नीरज जी, कुछ लोग तो कहते हैं कि मैडोना भी मुसलमान हो गई, माइकल जैक्सन भी मुसलमान हो गए थे। तो देखिए, कहने में तो चमड़े की जुबान है, वो कहीं पे भी मतलब चला सकते हैं, कैसे भी चला सकते हैं। बट अगर इस्लाम इतना ही मतलब अगर डिवाइन रहता तो आप देखे ना, टॉप साइंटिस्ट या टॉप फिलोसोफर्स या टॉप रिसर्चर्स या पास्ट का ही ले लें, टॉप मतलब जैसे कि आइंस्टाइन हो गए, गैलीलियो हो गए और ये सब हो गए, तो ये सब भी क्यों नहीं फैसिनेटेड हो गए थे? मतलब पास्ट के भी जितने भी आर्कियोलॉजिस्ट हैं या साइंटिस्ट हैं या जितने भी मतलब रिसर्चिस्ट रहे हैं, वो क्यों नहीं फैसिनेटेड होके हो गए? ये एक तरीके का कॉइन करने का है इन टर्म्स ऑफ फॉलोअर्स और इन टर्म्स ऑफ टीआरपी, की सेलिब्रिटी भी इस्लाम कबूल कर लिए, सेलिब्रिटी भी बिल्कुल इस्लाम से इतना मतलब मोहित हो गए हैं कि वो बिल्कुल अपना ही लिए हैं इस्लाम को। तो आई थिंक इट इज अ पार्ट ऑफ अवर प्रोपोगंडा, कोई करता है। और सेलिब्रिटी, देखिए सेलिब्रिटी जब खुद पैसे के लिए, जब सेलिब्रिटी जो एक शब्द है वो पैसे के लिए आपके सामने नाचने को तैयार हो जाता है, तो उस वो इस्लाम कबूल करे या वो जन्नत का वन वे टूर करके आ जाए या टू वे करके आ जाए, उससे फर्क क्या पड़ता है? तो जो इंसान खुद के जमीर को बेच रहा है पैसे के लिए, जो इंसान खुद के मोरालिटी को बेच सकता है, वो हिंदू रहे या मुसलमान रहे, उससे मुझे क्या मतलब है? जी, मुझे तो मतलब ये है कि वो धर्म के रास्ते पे किस हद तक है और वो धर्म के लिए क्या कर रहा है। अगर वो हर वो इंसान जो कि धर्म के अगेंस्ट है, वो मेरा दुश्मन है। अब हर वो इंसान जो कि धर्म के लिए थोड़ा सा भी योगदान दे सकता है, वो मेरा दोस्त है। तो अब ये सेलिब्रिटी कोई हो जाए, कुछ एलियंस आके इस्लाम कबूल कर लें, तो ये सब तो इन लोगों की फैंसी स्टोरीज हैं, वो मतलब लॉलीपॉप बांटने वाला इन लोगों का जो बिजनेस है। बट इसके ऊपर ज्यादा रोशनी तो तुफैल साहब डाल सकते हैं। जी, अभी पिछले वर्ष दीपिका पादुकोण दिल्ली आई थी धरने पर, क्या नाम, ये जेएनयू में। बाद में बात खुली कि उसके लिए पाकिस्तान के एक एजेंट से उन्होंने 50 लाख रुपए लिए। उनका आईक्यू लेवल ये है कि वो भारत के भविष्य के प्रधानमंत्री के लिए राहुल गांधी को समझती हैं। तो ये उनकी मानसिक योग्यता है। तो ऐसों की बात का क्या मतलब? एक समय में बड़े पैमाने पे चली थी कि जो चांद पर उतरने वाला पहला व्यक्ति था, नील आर्मस्ट्रांग, हाँ नील आर्मस्ट्रांग, उसने इस्लाम कबूल कर लिया। क्योंकि एक हदीस है कि मोहम्मद ने उंगली का इशारा किया और चांद के दो टुकड़े हो गए, तो उसने चांद पर जाकर वो चांद के दो टुकड़े देखे तो वो बन गया। मगर इसकी जानकारी नील आर्मस्ट्रांग को और उसके परिवार को नहीं है। ये जिसको हो उसे नहीं मालूम है कि वो मुसलमान हो गया। एक समय ऐसा आया था कि अमेरिका में जो वो अफ्रीका के मूल के लोग हैं, उनकी अपनी कठिनाई है, उनका इतिहास, जब उन लोगों को गुलाम बना के लाया गया और अमेरिका में उनसे काम कराया गया, तो उनकी जीवन की बड़ी दुष्टताएं थी। मगर ये भी है कि उनको स्वतंत्र करने वाले, उनको मुक्त करने वाले दास्ता से वो भी घूर रही थी। उनके बस का नहीं था ये कर पाना, क्योंकि वो तो दास थे, वो क्या करते। तो ये भी हुए। और एक क्राइसिस होता है कि अपने आप को मनवाने के लिए, जैसे आप अपने घर में बच्चों को बड़ा होते देखते हैं, तो ये जो 16 17 18 साल की उम्र के बच्चे हैं, इनसे अपनी बात मनवाना या इनसे कुछ ऐसा करवा लेना जो आप चाहते हो, तो उनका पहला काम ये होता है कि ये कैसे नहीं हो इसकी कोशिश करेंगे। वो एक एज का मामला है, वो हमने भी किया था, हमारे पिता ने भी किया था, हमारे बच्चे भी करेंगे, उनके बच्चे भी करेंगे, वो एज का एक मामला है। तो उस क्राइसिस के समय में कुछ बेवकूफियां हो जाती हैं।
मगर उसका कारण ये नहीं है, अमेरिका में ये हुआ था और पिछली लहर में उन्होंने इस्लाम की में औरतों के प्रति जो खराबी थी उसको सामने किया, तो उसके बाद वहां ये रुक गया था। अब फिर नए सिरे से कन्वर्जन हो रहा है, मगर कन्वर्जन को रोकने के लिए कोई योजना तो बनानी पड़ेगी। सऊदी अरब को वहां अधिकार है कि वो बड़ी बड़ी मस्जिदें ये सब वो बनाता है, तो मस्जिदों में क्या हो रहा है, हदीस क्या है, कुरान क्या है, नॉन मुस्लिम्स के बारे में वो क्या सोचती, इसको एक्सपोज तो करना पड़ेगा। 9/11 के बाद इस्लामी जो परंपरा है वहां ग्राउंड जीरो पर जहां वो दोनों बिल्डिंग गिरी थी वहां पर उन्होंने मस्जिद बनाने के लिए प्रस्ताव दिया, इतनी हिम्मत, और उस पर कह रहे हैं कि शांति। तो कुछ लोग थे जिन्होंने कहा कि फिर उसमें दो तीन चीजें और की, एक तो इसके जहां पर ये मस्जिद बनेगी इसके बिल्कुल साथ में सूअर की गोश्त की दुकान बनाई जाएगी, इससे आत्मा की शांति मिलेगी। दूसरे एक गे ब्रॉदल बनाया जाएगा, ये जन्नत के जो गिलमा हैं उसके रास्ते में, तो इस सब बातों से वो रोका गया। इस तरह की बेहूदगियां जब करते हैं तो उनके सामने खड़ा तो होना पड़ता है। तो कोई बड़े सेलिब्रिटी बनने में ऐसा नहीं है। और अनवर शेख जैसा इंपॉर्टेंट आदमी जब उसने दीन छोड़कर वो हिंदू हुए, और ऐसे 500 लोग हैं, वो आपको देखने चाहिए, बहुत बड़े पैमाने पर हैं, और उनको रास्ता दीजिए। क्योंकि कोई भी व्यक्ति इस्लाम छोड़ता है विदेश में जाकर तो वो फिर समाज से तो कट गया, परिवार नहीं है उसके पास, समूह नहीं है, कहीं तो बैठेगा शाम में, शादी तो करनी है, अपने बच्चों का विवाह तो करना है, तो उसे परिवार तो देना पड़ेगा, उस कमी को पूरा करिए। वो जो पाकिस्तान छोड़ के ऑस्ट्रेलिया में बैठा है वो कहीं तो दिन गुजारेगा, कहीं तो शाम काटेगा, इस गैप को भरिए, नहीं भरेंगे तो फिर कोई दूसरा भर लेगा। ऐसे लोग बहुत हैं। तो सेलिब्रिटी वाले मामले तो ऐसे ही फालतू की बातें हैं। करिए। विशाल जी पूछ रहे हैं, द लार्जेस्ट लेफ्टिस्ट नेशनल एंड इंटरनेशनल मीडिया ऑल ओवर द वर्ल्ड स्प्रेड नेगेटिव नैरेटिव्स अगेंस्ट द आइडिया ऑफ हिंदू राष्ट्र, व्हाट कैन वी डू? आपको बात तो बिल्कुल ठीक है, इस प्रश्न को आप लीजिए, अन्यथा दो दिन बाद मैं इस पर अलिंस्की पर लेना चाहूंगा, आपके चैनल पर बात करूंगा इसको। ठीक है, ये क्या होगा? देखिए मैं तो सिर्फ इतना कह सकता हूँ विशाल जी के उन्होंने अपना काम बड़े अच्छे ढंग से किया है कि लेफ्टिस्टों को इन ऑर्गेनाइजेशंस में अच्छे से प्लांट किया है, तो वो अपना काम कर रहे हैं और हमारे देश में तो इसका प्रभाव कम है, लेकिन जो इंटरनेशनल नैरेटिव है वो उसको काफी हद तक अभी कंट्रोल किए हुए हैं। उसमें हम और आप इंडिविजुअल लेवल पे अभी कुछ ज्यादा कुछ कर नहीं सकते, केवल अपने स्तर पर जितना आप अवेयरनेस फैला सकते हैं बस वही अभी कर सकते हैं। एक तो आपको सुझाव दूंगा, राजीव मिश्रा कम्युनिज्म पर बहुत अच्छा अध्ययन है उनका, उनको किसी दिन अपने चैनल पे लाइए ना। जी 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 लाएंगे। जी बहुत बढ़िया, कल वो उस पे थे, बहुत बहुत ही बढ़िया बोले कम्युनिज्म के बारे में, उन्होंने जो जयपुर डायलॉग बात की आप भी बुलाइए, बहुत बढ़िया बोलेंगे जी, जी, और कम्युनिज्म उनका मास्टरी है उस पर। विशैला वामपंथ, शक्तिमान चैनल सर मेरा प्रश्न ले लो, ऊपर है प्लीज भाई, ऊपर अभी नहीं दिख रहा है, आप आपको लगता है वैसे दे दीजिए प्रश्न, हम ले लेंगे। मीनल खामकर जी बहुत बहुत आभार आपका, बहुत धन्यवाद। और यूवी गुरमीत राम रहीम, सारे अमानवीय काम हिंदू भक्तों से चोरी छुपे करता था, पर मोहम्मद के पास तो ये सब करने का अल्लाह से ग्रांट था। अच्छा स्टेटमेंट है इनकी। यूवी जी आपकी ऑब्जर्वेशन कमाल की है, इसमें क्या कहे। जितेंद्र जी, माय फ्रेंड वंस एवराल्डो इज नाउ रुद्रदास, ही लर्नड योग एंड नाउ स्प्रेडिंग हिंदुइज्म इन ब्राजील, डू यू फील दिस काइंड ऑफ चेन रिएक्शन इज बेटर? डेफिनेटली। हाउ अबाउट गाइडिंग किड्स इन अर्ली एज? बिल्कुल ठीक बात है, ये तो करनी है, इसमें किसी की राय क्या लेनी, ये तो करनी है, आवश्यक काम है, बहुत सही बात है। सबसे अच्छी चीज है करने के लायक, ये करते हैं तो सारी समस्याएं इतने से ही हल हो जाती है हमारी। अभिमन्यु तो फिर जी खालिस्तान के बारे में कुछ बताएं, या ये खतरनाक हो रहे हैं?
इस पे मुझे लगता है, हाँ, और इस पे भी मुझे मैं अभिमन्यु जी एक दो चीजों से बात करता हूं। 1984 में दिल्ली में इंदिरा गांधी मरी, दंगे हुए, कुछ 100 लोग मारे गए, कानपुर में मारे गए, और भी कई जगह से दंगे हुए। पंजाब और मैं जिस क्षेत्र का रहने वाला हूं उत्तराखंड की तराई, ये सहारनपुर से शुरू होकर नैनीताल जिला, पीलीभीत और शाहजहांपुर से नेपाल तक जाती है। जितना पंजाब में सिख है उससे ज्यादा इस तराई में है। दोनों जगह तनाव था, खूब तनाव था। किसी को एक घटना, केवल एक घटना पूछ रहा हूं, दिल्ली जैसी पता है पंजाब में तराई में कि सिख गांव में 700 थे और वहां 50 हिंदू थे, उन्होंने काट के डाल दिए, एक घटना किसी को पता है? तो इस बात को समझिए, इसका अंतर कीजिए कि वो जो बस से उतार कर 4-6 लोग मार दिए गए वो पाकिस्तानी लोगों का काम था, उसके पैसे का काम था, उसके हथियारों का काम था, सिख नहीं थे। सिख अगर मारना चाहते तो भून के खा गए होते पंजाब के हिंदुओं को। एक घटना नहीं है दिल्ली जैसी। तो वहां जो कुछ हुआ और उसमें नारेबाजी, वो एक एज होती है, उसमें एक उत्पात का मन रहता है, तो जरा सा अपना आइडेंटिटी क्राइसिस है। मगर सिखों ने ऐसा किया नहीं कहीं भी। रोटी बेटी जुड़े मत जुड़े, मगर उन्होंने कभी सोचा तक नहीं कि वो हिंदुओं को मार के डाल देंगे। सारे काम हुए वो सारे पाकिस्तान के इशारे पर थे और आज भी पाकिस्तान के इशारे पर ही हो रहे हैं। मैं पूछता भी हूं दिल्ली में जो बैठे हैं, ये हाय हाय मचा रहे हैं और कह रहे हैं कि हम अल्लाह की बात करेंगे और फलानी करेंगे और ये सब बातें करेंगे, इनको किसी को सूझता नहीं है कि 10वीं पातशाही के बच्चों को दीवार में चुनवा दिया गया? वो 5 साल का और 9 साल के बच्चे जब सांस घुटी होगी कैसे दीवारें खुर्ची होंगी उन्होंने? उनके घुटने सीधे नहीं हो रहे थे, उनके घुटने काट डाले गए। आपको मालूम नहीं है, ये कहते हुए जबान नहीं गल जाती क्या बोल रहे हो? मगर वो पाकिस्तान का पैसा, कबाब पराठा है और कुछ नहीं है। मगर अगर खालिस्तान मूवमेंट सिखों के अंदर गहरे उतर जाता, वो दिल्ली के खिलाफ कुछ बातें कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, मगर आम सिख की मान्यता, मैं एक घटना पूछ रहा हूं, सारे पंजाब के उग्रवाद में कोई एक बता दे दिल्ली जैसा, कानपुर जैसा नरसंहार कहीं हुआ? एक भी नहीं हुआ। तो वो तथ्यात्मक नहीं है, मगर ये बात निश्चित है कि वो राज्य की समस्या है, राज्य को ठोकना पड़ेगा, वही तरीका है। विद्याल, हेलो सर, डू यू थिंक नॉन अपीजमेंट एंड नॉन वोट बैंक पॉलिटिक्स एंड थिंकिंग नेशन फर्स्ट विल बिकम अ मेनस्ट्रीम नैरेटिव इन अदर पार्टीज? ये देखिए, अगर तो मुझसे पूछ रहे हैं तो मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा होने वाला है, क्योंकि ये जो दुकानें आप देख रहे हैं वो केवल, ये सिविलाइजेशनल वॉर है। हमें ये समझना पड़ेगा कि ये जब हम ये बात करते हैं ना कि वोट बैंक पॉलिटिक्स है, तो वोट बैंक पॉलिटिक्स ये कभी नहीं रही है, ये सिविलाइजेशनल वॉर था, और आपको उसी ढंग से इसे समझना पड़ेगा। क्योंकि अगर ऐसा, आप इसको ऐसे सोच के देखिए, मान लीजिए कि मैं एक पॉलिटिशियन हूं और मुझे वोट चाहिए, तो मैं सबसे बड़े ग्रुप को पकड़ने की कोशिश करूंगा, तो मैं हिंदू अपीजमेंट सबसे पहले करूंगा, ना कि मुस्लिम अपीजमेंट करूंगा। तो ये सारी पार्टीज इस तरह के नैरेटिव पे आ जाएंगी, मैं तो इसको बिल्कुल नहीं मानता और मेरे हिसाब से ये होने वाला नहीं है। विनय जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, ठीक है। कालिदास जी, कुछ कहना चाहेंगे इसमें? देखिए, हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं नीरज जी की ये अपीजमेंट। देखिए, मैं पूरा डिस्कार्ड नहीं कर सकती हूँ, बिकॉज हम लोग तो बंगाल में बड़े हुए हैं, तो देखे हैं कि बिरयानी का देग बढ़ता था, उसके बाद फिर कंबल, चादर और बहुत सारी चीजें मतलब की जाती थी वोट के पहले, वो मुस्लिम कॉन्सेंट्रेटेड एरियाज में। तो देखिए, ये मेरा मानना है कि ये जो राक्षस, असुर और जो मलेच्छ जितने भी आए और इन्फेस्ट किए फिर से भारत को और लोगों को कन्वर्ट किए और वो बीमारी फैलाए, तो इन लोगों से लोग डरते हैं, थोड़ा बहुत तो डर है। क्योंकि जो मैंने मेरा अकाउंट, पर्सनल अकाउंट और विटनेस जो है बंगाल में, मतलब बहुत, मतलब इनको मतलब अपीस किया जाता है, मतलब आप कहें तो बिल्कुल पलकों पे रखा जाता है। वो उसमें कोई डिनायल नहीं है कि इनको पलकों पे रखा जाता है, अपीसमेंट किया जाता है। पॉइंट केवल ये है, जैसे वो पूछ रहे हैं कि क्या कभी ऐसा होगा कि राष्ट्रवाद को भी अपना लेंगे जो बाकी है, जैसे मुलायम शुलायम जैसी पार्टियां हैं,
तो उसके बारे में प्रश्न है, जो कि मुझे लगता है कि वैसा नहीं होगा कभी भी। अजीत जी पूछ रहे हैं, तो फेल जी आपसे प्रश्न ये, हिंदुओं ने शस्त्र त्याग दिया है तो भारत का विभाजन नहीं होता, तो अविभाजित भारत में हिंदू का क्या हाल होता? अजीत बंटिया जी, ये बात है लोगों के ध्यान में कि अगर विभाजन नहीं होता तो इस्लामियों की संख्या कितनी होती और उनकी शक्ति एक हो जाती। जो मौलाना आजाद का चिंतन था कि शक्ति मत बांटो, तुम्हारे बुजुर्गों की खबरें यहाँ हैं और लाल किला यहाँ है और ताजमहल यहाँ है, फलाना यहाँ है, उनके आखिरी खुतमे में बातें हैं जो लाल किले में वो बोले, मेरे देखे ऐसा नहीं है। एक बात बिल्कुल स्पष्ट समझनी चाहिए और इसका इतिहास गवाह है कि कभी भी समाज स्वयं नहीं खड़ा होता। इस्लामी समाज भी स्वयं कभी नहीं खड़ा हुआ, ईसाई भी नहीं हुए, हम भी नहीं हुए। समाज सदैव सेनापतियों के पीछे, राजाओं के पीछे, विद्वानों के पीछे, आचार्यों के पीछे खड़ा होता है। हमारे आचार्य सक्षम थे, 47 से पहले जो हमारे हिंदूवादी विचार के लोग थे, सावरकर जी इत्यादि लोग, उनकी ये समस्या कठिनाई रही है कि जब भी राष्ट्र को आवश्यकता थी उनके नेतृत्व की, वो हमेशा जेल में डाल दिए गए। 47 के बाद में गांधी का वध हुआ, उसके बाद फिर सैक कर दिए गए। राष्ट्र को राष्ट्रवादी देशना चिंतन देने वाले, हिंदुवादी चिंतन देने वाले लोग नहीं थे। अच्छा, जो दर्शन है संघ का, उसका सामान्य दर्शन है, ये कहना है कि संगठन कुछ नहीं करेगा, संघ कुछ नहीं करेगा, स्वयं से वो कुछ नहीं छोड़ेगा। और उसका कारण आचार्य की, एक 1925 में संघ बना, 1925 में विभाजन देश की जो स्थिति थी वो ये थी, या तो ब्रिटिश टेरिटरी थी, उत्तर प्रदेश बिहार इत्यादि क्षेत्र थे, राजाओं के क्षेत्र थे, और तीसरा बफर स्टेट्स थी, जो सिक्किम, भूटान, नेपाल, तिब्बत, कश्मीर, अफगानिस्तान, ये बड़े लोगों ने बीच में बड़ी स्टेट्स डाल रखी हुई थी। तो प्रजातंत्र कहीं था ही नहीं। डॉक्टर जी जो ये कहते थे कि 1% नगर में और 3% गांव के लोग राष्ट्रवादी हो जाए, शाखा में जाने लगे तो बदलाव आएगा, तो उस समय प्रजातंत्र नहीं था, अब प्रजातंत्र है। तो वो चिंतन उस काल का है, चल अभी तक रहा है कि संघ कुछ नहीं करेगा, राष्ट्र स्वयं, समाज स्वयं करेगा। समाज अपने आप नहीं खड़ा होता, नेताओं के पीछे खड़े होते हैं। आज जो आपको हिलोड़ दिखाई दे रही है, उसका कारण क्या है कि सोशल मीडिया में आचार्य, विद्वान बहुत सारे खड़े हो गए, अपने पीछे लोगों को बहा रहे। तो उस समय अगर विभाजन के समय विभाजन न हुआ होता और देश एक होता, तय था हम समस्या से निपट लेते। 47 पहले जो डायरेक्ट एक्शन डे हुआ है, 16 अगस्त 1946 को कलकत्ता में हिंदू मारे गए, उसके तुरंत 2 दिन के साथ ही बिहार में भयानक प्रतिरोध शुरू हुआ था। लोगों की शायद जानकारी में हो, भागलपुर में कांग्रेस के लीडर्स ने हेलीकॉप्टर से हिंदुओं की भीड़ों पर गोलियां चलवाई थी। नेहरू ने स्पेशल ऑर्डर, ये 47 के बाद संभव नहीं था, उस समय निपट लेते, निश्चित रूप से हम निपट लेते, कोई बड़ी कठिनाई नहीं थी, क्योंकि मुसलमान भी तो जानते थे कि हम इसी घर के हैं, उनको वापस लेना कोई बड़ा काम नहीं था। नेतृत्व तो हमारा ऐसा था कि हिंदुवादी नेतृत्व को तो नेपथ्य में डाल दिया, और गांधी जैसे ससुरे जो चाटुकार थे, तलवे चाटते थे इस्लाम के, उनको नेता बना रखा था अंग्रेजों ने, उनके हित की बात थी। तो उसका कारण है, विभाजन न होता तो निश्चित इस्लाम की समस्या का समाधान हो गया होता। मैं इस पर बिल्कुल स्पष्ट हूं। अगला प्रश्न तो फिर जी आपसे ही है, विनम्र निवेदन है कि कृपया इंडियन हिस्ट्री एंड इस्लामिक अटैक पे सीरीज बनाइए जो 712 से शुरू होकर 47 तक आए। एज अ टॉल ऑर्डर सर, शक्तिमान साहब बहुत बड़ा आपका आदेश है, मगर पूरा पक्का करेंगे। 712 में क्या हुआ, कैसी बात, इस पर करेंगे। मयंक अग्रवाल जी, तो फेल जी आपकी वाणी में इतना ओज कैसे है, और आज के नौजवान पीढ़ी के लिए आप क्या संदेश देंगे कि वो भी आपके जैसे बोल सके? सत्य बोलिए और कुछ नहीं कहना, सिर्फ सच बोलिए, और सच वही है जो मैं कह रहा हूँ। मैं सच नहीं कह रहा हूँ, सच वही है जो मैं कह रहा हूँ। सच बोलिए, और ओज नहीं है, सामान्य बात है। हम जिन पराक्रमी चक्रवर्ती सम्राटों की संतान हैं, जिन तेजस्वी ऋषियों के वंशज हैं, उन्होंने तो कितने बड़े काम किए हैं। आपकी शायद जयमैंग जी जानकारी में न हो कि भारत के सम्राट
अरबों तक अरब तक जाके मार लगाई है उन्होंने, ये लोगों की जानकारी में नहीं है। आपको ये पता होगा, लोगों को ये पढ़ाया गया है कि पानीपत हारे, कितनी लंबी मार पेली है ये लोगों को नहीं मालूम है। बप्पा रावल का हाँ हाँ एक थोड़ी है, हम जिन तेजस्वी ऋषियों की संतान है उन्होंने कर्णवंतो विश्वमारे का आदेश है, हमारा धर्म है विश्व को आर्य बनाए, वो आर्य को भारतीय के लोगों को नहीं बनाना, सारे विश्व को बनाना है, हमारा काम है, वो करेंगे ही करेंगे। कमल शाह जी आभार आपका बहुत बहुत। साइलेंट स्टार, हिंदू मंदिर कब सरकार के चंगुल से बाहर होंगी? साइलेंट स्टार जी आपका नाम क्या है? साइलेंट स्टार तो नहीं हो सकता, आप नाम साफ नहीं रख रहे, हिंदू मंदिर कैसे बाहर होंगे? आप पुरुष तो रखिए अपने लिए, आपने ऐसे अजीब करीब नाम क्यों रखे हुए हैं? आप सीधा सीधा खरी बात क्यों नहीं कहते अपने नाम से? यही दबाव तो है जो मानसिक हम लोग को दबाए हुए। कमल शाह जी, रॉन्ग आइडिया ऑन सिक्स इन पंजाब इन 80s, मेनी टेंपल्स वर डिस्क्रेडिटेड एंड थाउजेंड्स हिंदूज किल्ड फ्रॉम 83 टू 89। ये कमल शाह जी बात कह रहा हूं, मैंने मैसेकर की बात की, किसी गांव में किसी क्षेत्र में बस से उतार के लोग मार दिए, मारने वाले कौन थे? ये कैसे तय करेंगे आपके वो सिखों की मनस्थिति थी हिंदू को मार दो? और अगर ये मनस्थिति थी उन्होंने बस से ही क्यों मारे? वो जिस गांव में रहते थे वहां सारे क्यों नहीं काट डाले? दिल्ली जैसा मैसेकर क्यों नहीं किया? कानपुर जैसे मैसेकर क्यों नहीं हुए? मैं ये बात कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मारे नहीं गए, वो पाकिस्तान के प्रभाव से पैसे देकर उनसे दुर्गियाना मंदिर के बाद गाय का सर डाल दिया काट के। असंभव है सिख का ये काम, असंभव, ये 100% किसी पाकिस्तानी का काम था, ये हो ही नहीं सकता। तो मैं ये बात कह रहा हूं, मैंने ये नहीं कहा कि लोग मारे नहीं गए, मैसेकर नहीं हुआ, हिंदू सिख झगड़ा नहीं हुआ पंजाब में एक भी, ये कह रहा हूं। इसमें मुझे लगता है एक और चीज जो हम सबको समझनी चाहिए वो क्या है कि जब हम इस्लामिक टेररिज्म की बात करते हैं तो वो टेररिज्म वो है जो कुरान की आयतों से निकलता है। जब आप सिख टेररिज्म की बात करेंगे तो वो गुरु ग्रंथ साहब से नहीं निकलता, उसमें कहीं नहीं लिखा हुआ कि आपने गैर मजहब वाले को मारना है। वो एक पॉलिटिकल मूवमेंट थी, हमें उसे उसी प्रकार से लेना पड़ेगा कि उसमें अब इस्लामिक टेररिज्म में उनकी इस्लाम की किताब में लिखा हुआ है तो उसे आप कहेंगे इस्लामिक टेरर। लेकिन यहां पर पॉलिटिशियंस ने केशधारी को या पगड़ी वाले को यूज कर लिया तो आप पूरे मजहब, पूरे जो पंथ है उसे नहीं कह सकते कि पंथ बुरा है या वो सिख टेररिज्म, उसे नहीं कह सकते आप। जैसे हिंदू टेरर एग्जिस्ट नहीं कर सकता क्योंकि हमारी कोई पुस्तक ये नहीं बोलती कि तुमने गैर सनातनी को मारना है सिर्फ आइडियोलॉजी के आधार पे, तो लाइकवाइज आप यहां भी नहीं कह सकते। अगला डीप रिसर्चर, पंजाब का ज्यादा तजुर्बा नहीं है सर आपको, माफ कीजिए चतुर्वेदी जी, एक क्रिमिनल सोच है पंजाब में, आप भी सिख जट और किसान को मिक्स कर रहे हैं, प्लीज वक्तव्य ना आगे कट गया, लेकिन हमें भाव समझ आ गया उनका, आप उत्तर दीजिए। तो फिर जी मैं फिर उसी पर बात करूंगा, और दूसरे आपको कुछ समूहों के, कुछ जातियों के, कुछ समाजों की अपनी मनस्थिति होती है, जैसे जट जिसकी बात करें, जाट योद्धा जाति है, स्वभाव से ही संघर्षशील है, मानसिकता उस प्रकार की है। किसी गांव में अगर दो जाट परिवार हैं तो आधे गांव की राजनीति एक जाट परिवार घुमाएगा, दूसरी आधे गांव की वो करेगा, उसका स्वभाव है, वही जट सिख बने हैं। उनके स्वभाव में ही वर्चस्वी मानसिकता है कि वो वर्चस्व अपने क्षेत्र पर वर्चस्व प्रभाव अभिव्यक्त करें, उनकी ये मनस्थिति है, ऐसा ही वो है। तो उसके कारण से कई बार आपको कुछ चीजें व्यक्तिगत लग सकती हैं, मगर मैं फिर आपसे निवेदन कर रहा हूं, लोग मारे गए, जिन्होंने मारा उन्होंने ये क्लेम किया कि वो सरदार होने की वजह से मार रहे हैं, मगर मैसेकर नहीं हुए, सिख होने के कारण से हिंदुओं को काट के नहीं डाला गया। मैं जानता हूं कि बसों में आक्रमण हुए, मुझे मालूम है ट्रेनों के साथ ये हुआ, मुझे पता है कि मंदिर के बाहर गाय के कैसा काट के डाला, मगर वो सिख होने के कारण से, सिखों ने किया ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो पाकिस्तान के संकेत पर है और बड़े पैमाने पर सिखों की मनस्थिति विशेष रूप से जो विदेशों में है उनकी खालिस्तान की है। अब खालिस्तान आइडेंटिफाई उनके दिमाग में भी नहीं है। मेरे साथ के रवि रंजन सिंह जो झटके का आंदोलन चला रहे हैं वो कहते हैं कि लाहौर राजधानी चाहिए और सियालकोट तक ये हमारा खालिस्तान है, ये सब है, ये सोच उनकी नहीं है। वो बेसिकली
भारत के प्रति अपनी कठोर बातें कर रहे हैं, मगर वो अतार्किक हैं और सिख होने के नाते, क्योंकि सिख डॉक्यूमेंट जो ग्रंथ हैं वो उसे लेजिटिमेट नहीं करते, इसलिए उसे सिख नहीं कहा जा सकता। पाकिस्तान के आप जिसे नागालैंड में, मिजोरम में, वहाँ जितने भी उत्तर भारतीय हैं वो व्यापार संभालते हैं, नॉर्मली मारवाड़ी हैं, इन लोगों का व्यापार है, वहाँ काम करते हैं और वहाँ लोगों को मारा गया, तो आप क्या उसको भारत के खिलाफ मूवमेंट कहेंगे? ऐसा तो नहीं कहा जा सकता। वो एक विचित्र प्रकार की स्थिति है कि उसके पीछे चाइना पैसा डाल रहा है, हथियार दे रहा है, वो पंगे करवा रहा है, भारत में विप्लव रहे, उपद्रव रहे, इसके लिए किया जा रहा है। तो उसको हिंदू और वहाँ की जो नागा जातियाँ हैं उनके बीच की लड़ाई कहेंगे क्या? बस इतना कह रहा हूँ जी। रेक्सली जी, बहुत बहुत आभार आपका। अरविंद पात्रा, नीरज जी, तुफेल जी, कालिदासी जी, आप सबको प्रणाम। क्या हमें एजुकेशन सिस्टम को गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम बना देना चाहिए? अरविंद पात्रा जी, ये हमारे हाथ में नहीं है, सिस्टम केंद्र सरकार तय करती है, हम शिक्षा देने के लिए स्वतंत्र नहीं है। इस्लाम को स्वतंत्रता है कि वो अपने स्कूल खोल सकती है, क्रिश्चियनिटी को स्वतंत्रता है, माइनॉरिटीज को है ये। इसी कारण रामकृष्ण मिशन ने एक बार क्लेम किया था कि हम माइनॉरिटीज हैं, हम हिंदू नहीं हैं। वो इसीलिए था कि उनके स्कूल सब रगड़े जा रहे थे, इनकम टैक्स में डाले जा रहे थे। जैनों ने कई बार इस तरह की बातें की हैं, वो कानून की विसंगतियां हैं, मगर ये हमारे हाथ में नहीं, हम नहीं कर सकते। ये कि वो अपने आप को हिंदू मानते नहीं है, वो सिर्फ लॉ को एक तरह से प्रैग्मेटिक यूज करने के लिए उन्होंने काम किए थे। ये तो कमल शाह, रॉन्ग आइडिया ऑन सिक्स इन पंजाब इन 80s, मेनी टेंपल्स वर डिस्ट्रॉयड। हो चुका है, प्रश्न ले लिया। अच्छा, ये रिपीट हो गया क्या? जी जी, तो मुझे लगता है दस बज गए। जी जी, और मुझे लगता है कि हमने प्रश्नार्थ के लिए, अच्छा एक और आ गया जी, यूवी, गांधी को महान बनाना ब्रिटिशरों की साजिश थी। अरे वाह, ये तो पूरी सीरीज की हमने जी के साथ, तो कोई शक है ही नहीं है। ये मुझे लगता है अंतिम प्रश्न है, नहीं एक और है इसके बाद। विशाल जी का क्वेश्चन, नीरज जी, द मेंटेलिटी ऑफ मेजोरिटी मुस्लिम यूथ टुडे इज टोटली एंटी हिंदू एंड इट कैन हार्डली बी काउंटर्ड बाय इंटेलेक्चुअल आर्गुमेंट, व्हाट इज द सॉल्यूशन? विशाल जी, आपने क्वेश्चन मुझसे पूछा है, तो मेरा आंसर तो वही है कि इसे इंटेलेक्चुअल आर्गुमेंट से ही आप डिफीट कर सकते हैं। उनके मन में जो जहर भरा गया है वो कैसे भरा है, आप इसे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम समझ के चलिए कि जो सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम है आप उसे सॉफ्टवेयर से ही ओवरराइड कर सकते हैं। फर्क सिर्फ ये होगा कि कुछ लोग ऐसे होंगे जो जिनकी जिहाद वाली मानसिकता है कि हमने लड़ना है, तो वो हमारे जो पुलिस है, जो पैरामिलिट्री फोर्सेस है, वो अपना काम बॉर्डर पे करती हैं या अंदर करती हैं। लेकिन उसी के साथ जो तुफेल जी बार बार कहते हैं कि आपको अगर उनके पास लोहा है तो आपके पास लोहा होना चाहिए, लेकिन बाय एंड लार्ज मैं फिर वही कहूंगा कि अब इतनी बड़ी जो जनसंख्या है आप उसे, स्टार्टिंग में हमने क्या बात की थी कि ऐसा मान के चलिए कि आपके छोटे भाई को किसी ने ड्रग एडिक्ट बना दिया है, तो आप क्या करेंगे, उसको ड्रग एडिक्शन से बाहर निकालेंगे, ना कि उसकी हत्या करने के बारे में सोचेंगे। तो वैसे ही वही इसका सॉल्यूशन हो सकता है। बाला बोलो जी, विकिपीडिया, यूट्यूब, ट्विटर और यूट्यूब में भी हो रहा है, ये सारे मीडिया प्रो इस्लामिक और प्रो लेफ्ट प्रो सोशलिस्ट है, इसका समाधान क्या हो सकता है? राज्य करेगा, गृह मंत्री, ये इनका काम है। ओके, ये जितने YouTube, Twitter और ये सब सारे तामझाम हैं, ये सब धंधा करते हैं, बिजनेस करने वाली कंपनियां हैं, बड़ी कंपनियां हैं, इन्हें भारत से रेवेन्यू जनरेट करना है। और भारत में Twitter, YouTube को बंद करने का मतलब है कि 150-100 करोड़, 75-80 करोड़ अकाउंट बंद होना। एक अकाउंट से अगर वो 100 रुपये भी लेते हैं महीने के, तो आप कल्पना कर सकते हैं कितने पैसे बंद होते हैं। उनमें से उनको दबाव देना है, हमारा दबाव, राज्य दबाव देगा, व्यक्तिगत रूप से नहीं हो सकता, ये राज्य का काम। शक्तिमान जी, तुफेल जी, हिस्ट्री पे वीडियो सीरीज बनाएं जो शुरू हो
वो जब भारतीयों ने अरब तक विजय की वो वहां से शुरू होके 47 तक रेफरेंस जी कई बार बीच में हुआ है। शुरू तो 712 से हमारा उनका मुचेटा हुआ है। 712 में वो जीते हैं, उससे पहले 7-8 आक्रमण हुए जो मारपीट के ठीक करके भगा दिए गए थे। कोई पहला आक्रमण नहीं था। सारा विद रेफरेंस हो गया, आपको चिंता मत कीजिए, उसकी बात करेंगे। ठीक है। कनिष्क जी, सर भीम आर्मी वाला मुझे जिहादी लगता है जो कि ट्रेंड किया हुआ है मलेच्छों द्वारा, क्या हम भी इनके सेक्टेरियन डिवाइड का फायदा नहीं उठा सकते? तो जी आपको किसी भी जो भीम आर्मी या दलित बंधु है उनसे पूछना चाहिए दलित चेतना का अर्थ क्या है, कि वो समाज में अपने अस्तित्व को मनवाना चाहती है। इस्लामी चेतना क्या है, जो नॉन मुस्लिम्स को जीने योग्य नहीं मानती। तो इनसे पूछिए भीम आर्मी वालों से कि अपने मुसलमान दोस्तों से पूछो कि काफिर वाजिबुल कत्ल के बारे में आपकी क्या राय है, आप मुझे काफिर मानते हैं कि नहीं। भीम आर्मी वाले ही सवाल पूछ ले कि साहब मैं काफिर हूं कि नहीं, और ये जो किताल फी सबीलिल्लाह अल्लाह के नाम में कत्ल करो इसकी मार में मैं आता हूं कि नहीं, प्रश्न उनसे कहिए, वही पता करें उनकी जागृति एक्चुअली है क्या। कि वो राजनीतिक फैलाव के लिए अपने पैर जमाने के लिए गाली देने, क्या अच्छा शेर है किसका, कितनी आसानी से मशहूर किया है खुद को, कितनी आसानी से मशहूर किया है खुद को मैंने अपने से बड़े शख्स को गाली देकर, तो अपना कद उभारना तो मुश्किल होता है, गाली बक दी तो उसमें थोड़ा लाइमलाइट में आ गए। तो उस तरह की बात है भीम आर्मी वाले, उनको ऐसा नहीं कि वो नहीं जानते। आगरा के, मेरठ के, मुरादाबाद के जो बड़े दंगे हैं उसमें इस्लामी आक्रमण काल से लोहा कौन लेता रहा है, यही जाटो, यही वाल्मीकि, यही खटिक, ऐसा थोड़ी कि वो नहीं जानते, उनके लगातार संघर्ष होते रहे हैं, वो अच्छी तरह समझते हैं। मगर कुछ ये जो भीम आर्मी के नेता हैं तथा कथित, अब मायावती को आप अगर दलित समझेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, वो तो साम्राज्य महारानी है, तो वो उन लोगों की बातें हैं, अन्यथा आम लोग तो खूब समझते हैं इस बात को। रेक्सली सबको नमन, कैसे हलाल प्रोडक्ट्स का बॉयकॉट करें, यूज मत नहीं खरीदे, और का तरीका है न खरीदे, बस इतना ही तो है। बाला बोलो। अच्छा ये हो चुका है जी, अब 10 बज रहे हैं। हाँ जी, बस ये दो प्रश्न लेंगे, इसके बाद निवेदन है दर्शकों से, और प्रश्न मत पूछें जी आज। मुकेश जी, मैं भागलपुर का हूँ, विलेज खुटाहा है, हमने मुस्लिम को पीटा क्योंकि हमारे विलेज में बंदूक रखने का प्रचलन है, इसलिए हिंदू अपनी घर बंदूक रखे हैं, रखने की आदत होनी चाहिए। हाँ होनी चाहिए मुकेश जी, मैं तो कहता ही हूँ लोहा हर घर में लोहा होना चाहिए, तो बहुत सही बात है, बहुत सही बात है, बिल्कुल ठीक बात है। हम जिस परंपरा के हैं, हमारा तो त्योहार है विजयदशमी शस्त्र पूजन का, हमारा हर देवता शस्त्रधारी है, हमारे पास शस्त्र क्यों नहीं होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। बाला बोलो जी, आर्मी ने ट्विटर की जगह तीतर और यूट्यूब की जगह रंबल को इस्तेमाल करने का को कहा है, क्या हम इसको सनातन प्लेटफॉर्म से प्रचारित कर सकते हैं? मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है जी, आपको है कुछ, किसी को? मैं नाम ही आज सुना। डीप रिसर्चर रत्री जी, प्लीज रिसर्च ऑन पंजाब, देन स्पीक आई हैव अ मेजर रिसर्च, सो चेक मोर एंड टॉक विद अस देन वी टेल। डीप रिसर्चर जी, मैं पंजाब से हूँ और जब आतंकवाद था मैं पंजाब में रहता था, तो मैंने वहाँ सब देखा है ये, और अगर आपके पास कोई रिसर्च है आप मुझे मेल कीजिए, कोई ऐसा अगर आपको लगता है आयाम जो मुझे नहीं पता तो आप शेयर कीजिए, अगर लगता है उसमें सब्सटेंस है तो हम आपसे बात करेंगे, जरूर करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। मेरा मेल आईडी सबको पता है, यहाँ पर आप भेज सकते हैं मुझे। विदायल, राजा मेहर भोज का चिन्ह वराह था, विष्णु का अवतार, इज दिस व्हाई अरब्स हेट पिग्स? नहीं, देखिए जो पहले तो अरब्स कहना बंद कीजिए, आप इस्लाम की बात तो कर सकते हैं, और इस्लाम सारे का सारा एक व्यक्ति के विम्स एंड फैंसीज पर आधारित है, तो उन्हें अगर जो चीज अच्छी नहीं लगी तो उन्होंने उसके बारे में उस तरह की बात कर दी है।
और ये मेरे अंतिम प्रश्न होगा जी, तुफेल जी आपसे है, ये जनक सिंह जी का क्वेश्चन है, मॉडरेट मुस्लिम को कैसे समझाएं जो बोलते हैं अल्लाह का इस्लाम अलग है और मुल्ला का इस्लाम कुछ और, पर नीरज जी को फॉलो करने के पता चला कि जो मुल्ला का इस्लाम है वही अल्लाह का इस्लाम है। आप जिसकी बात कर रहे हैं तारिक फतेह साहब के, वो मेरे निजी मित्र हैं, मेरी उनसे कई बार बात हुई इस विषय पर। ये एक उनकी स्ट्रेटेजी है, वो जो मैं सोचता हूँ वही वो सोचते हैं, और बल्कि मुझसे जरा कठोर सोचते हैं। ये उनकी एक स्ट्रेटेजी है अपने आप को सामने रखने के लिए, और ये स्ट्रेटेजी कारगर नहीं है। जावेद अख्तर से उनकी बहस हुई, जावेद अख्तर ने पटकी दे दी उनको कि आप ये मुल्ला का इस्लाम और अल्लाह का इस्लाम अलग करेंगे तो वो तो दे ही मारेगा आपको। आप एक तरफ से ये कह रहे हैं कि आपके पूर्वज कुछ पीढ़ी पहले राजपूत थे, तो आप अपनी परंपरा को तो स्पष्ट करें कि आप क्या हैं। आप अल्लाह का इस्लाम मानने वाले हैं और राजपूत हैं, दोनों एक साथ कैसे हो जाएंगे? तो उसमें तो मार खा ही जाएंगे। उसने जावेद अख्तर ने दे मारा उनको, पटक लिया इसीलिए। तो वो तो आपको समझना ही चाहिए। मेरा एक वीडियो है मेरे चैनल पर है, मैं मुसलमान क्यों नहीं बनता, मैं इस्लाम का प्रशंसक हूँ, एक खासा अच्छा बड़ा कोई 45-50 मिनट का है। उसमें बात यहीं से शुरू हुई है, जावेद अख्तर और तारिक फतेह साहब की। आप उसको एक बार, मैं निवेदन करूंगा कि मेरे YouTube चैनल तुफैल चतुर्वेदी पर पधारें और उसको सर्च कर लें। कोई बहुत सारे वहाँ 5,000 वीडियो भी नहीं है, 70-80 वीडियो होंगे, उसमें मिल जाएगा। ये सारा विषय बड़े डिटेल में कवर किया है। मुल्ला का इस्लाम कुछ नहीं होता, इस्लाम एक ही होता है, बिल्कुल। ये कालिदासी जी भी यही बोलती हैं और आपको अब तक समझ आ जाना चाहिए मुझे लगता है ये सब का सब। सचिन देवकर जी आपका बहुत बहुत आभार है, और अब हम आज और प्रश्न नहीं ले रहे हैं कोई भी। और मेरा सारे दर्शकों से निवेदन है कि जो आपके सामने दो लोग हैं तुफेल चतुर्वेदी जी, इनका अपना चैनल है, ज्ञान के भंडार है, आप वहां जाइए और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, उनका जो जैसा प्रमोशन कर सकते हैं वो कीजिए। और कालिदासी जी तो किस परंपरा से निकल के किस में आई हैं, तो आप वहां जाएंगे तो आपको उनके बारे में बहुत सारी वीडियोस हैं जो मिलेंगी, सब्सक्राइब करें और वहां पर जाकर अवश्य देखें। और आज 2 घंटे होने को है, आज हम अपना ये आज का सेशन समाप्त करते हैं। दर्शकों की ओर से तुफेल जी आपका इतने छोटे नोटिस पर आने के लिए, कालिदासी जी आपका हमारे साथ अपना समय शेयर करने के लिए बहुत बहुत आभार। और वंदे मातरम, जय हिंद, भारत माता की जय। Okay.